गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगली हेडिंग जो हमें देखनी है वो है प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, व्हाट इज दिस अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम? क्या होता है अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम? वो इनकम जिसे आपने डिस्क्लोज ही नहीं की, आपने बताया ही नहीं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमने अपनी इनकम बताई क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं तो उस पर क्या लग जाता है? टैक्सेस। अब आज की क्लास में हम आपके सामने एक नया वर्ड यूज करने वाले हैं और वो वर्ड है ब्लैक मनी। बच्चे क्या आप जानते हैं व्हाट इज ब्लैक मनी? व्हाट इज ब्लैक मनी? काले रंग का होता है, बड़ा गंदा सा होता होगा, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी वो मनी है जिसपे आपने टैक्सेस पे नहीं किया है। आप हमें बताइए, हम एग्जांपल ले रहे हैं वेदर इट इज ब्लैक मनी और नॉट। मेरे पास पैसा आया है, पता है कहां से? एक्सटॉर्शन से। एक्सटॉर्शन रंगदारी, ठीक है, धमकी देते हैं मुन्ना बजरंगी के नाम से और पैसा कलेक्ट करते हैं मार्केट से। लेकिन जितना पैसा आता है उस पर टैक्सेस पे करते हैं। आई वॉन्ट टू नो जो मेरे पास पैसा आया है वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी? दैट्स अ व्हाइट मनी। आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं और टैक्सेस पे कर रहे हैं, दैट इज व्हाइट मनी। अगर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास आपकी फीसेज आई और हमने उसको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, तो निश्चित है हमने आपकी फीस पे टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं दिया। अब ये मनी मेरे लिए क्या कहलाती है? ब्लैक मनी, ठीक है। और इस ब्लैक मनी को यूज करके, ठीक है, इस ब्लैक मनी को यूज करके हम जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो भी एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास वो कैश के फॉर्म में है, अगर मेरे पास वो कैश के फॉर्म में है तो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। और अगर उस ब्लैक मनी को यूज करके हम कोई एसेट खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो प्रॉपर्टी, वो एसेट, क्या हमने इनकम टैक्स को डिस्क्लोज की होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस पैसे से हमने उस प्रॉपर्टी और एसेट को खरीदा है उस इनकम को ही हमने कहा गवर्नमेंट को दिखाया था। तो पता है वो प्रॉपर्टी, वो एसेट भी क्या है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं बच्चों। मेरे पास कुछ पैसे आए, कुछ इनकम आई जिसको हमने गवर्नमेंट को नहीं दिखाया, वो क्या है? मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। उस इनकम से हमने कुछ खरीद लिया, कुछ बिल्डिंग खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। एक बात बताइए, क्या मैं उस बिल्डिंग को, उस गोल्ड को गवर्नमेंट को दिखाऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा इनकम टैक्स में? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पैसे से मैंने ये सब खरीदा है उस पैसे को भी मैंने डिस्क्लोज कहां किया था? तो अब ये जो गोल्ड है, बिल्डिंग है, ये भी क्या है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम, राइट? अब प्रश्न क्या है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम का प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब डिस्क्लोज ही नहीं किया तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न कहां से उठ गया? प्रश्न उठेगा जब अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी डिस्कवर की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसा समझिए कि मेरे पास गोल्ड थे, हमने बताया नहीं था किसी को, लेकिन इनकम टैक्स को कानों कार खबर लग गई कि मेरे पास कुछ गोल्ड है 5 करोड़ रुपए का, और इनकम टैक्स ने जब उसको डिस्कवर कर लिया कि ये रहा आपका 5 करोड़ रुपए का गोल्ड, ठीक है, तो अब तो इनकम बन गई ना, पता चल गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, बताया नहीं था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बात डिस्कवर कर लिया कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, एक फ्लैट है जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, तो अब तो यह इनकम बन गई। अब प्रश्न उठता है कि यह इनकम किस प्रीवियस ईयर की बनाई जाए, क्योंकि जिस फ्लैट को हमने खरीदा था 2 करोड़ रुपए में, उस फ्लैट के लिए पैसा तो हमने पिछले 10 सालों में बटोरा था। आज एकाएक 2 करोड़ रुपए का फ्लैट हमने नहीं खरीद लिया, 10 सालों से हम ब्लैक मनी एक्युमुलेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो आज जाके हमने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 करोड़ रुपए की इनकम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाए? तो इनकम टैक्स ये कहता है कि जो भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगी वो जिस प्रीवियस ईयर में डिस्कवर की जाएगी, पता लगेगा, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में पता लगेगा वही प्रीवियस ईयर उस इनकम की कहलाएगी। यानी हम पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है, ब्लैक मनी जिसमें हम टैक्सेस नहीं दिए थे, और उससे आज हमने आज खरीदी, या हो सकता है 4 साल पहले खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 4 साल पहले, जो पैसा हम 20 साल से इकट्ठा कर रहे थे,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस साल पता चल गया कि मेरे पास एक फ्लैट है मुंबई में जो कि हमने ब्लैक मनी से खरीदा है, 20 करोड़ रुपए का वो फ्लैट है या 2 करोड़ रुपए का वो फ्लैट है, वो इनकम किस प्रीवियस ईयर की बनेगी, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला, यानी करंट प्रीवियस ईयर में पता चला तो वो 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है तो 2 करोड़ रुपए मेरी करंट प्रीवियस ईयर की इनकम हो गई। अब आपको एक चीज और बताएंगे, मोदी जी के आने के बाद से इसमें एक विशेष परिवर्तन भी किया गया है। पहले तो यह था कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब यह है कि अगर डिपार्टमेंट पता लगा लेगी, अब एक बड़ी यूनिक चीज मोदी जी ने लाई है इसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पता लगा लेगी तो ही अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं कह रहे हैं। आप खुद ही बता दो ना, अगर 20 साल से ब्लैक मनी एक्युमुलेट कर रहे थे, अब आपकी हालत खराब हो गई है कि पकड़े जा सकते हैं, आप खुद ही बता दो, आप खुद ही बता दो वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसका प्रीवियस ईयर भी क्या होगा, जब आप बता दोगे वही ईयर आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम का प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो मोदी जी ने एक और परिवर्तन किया यहां पे, क्या किया यहां पे कि अगर आप खुद से बताओगे तो टैक्सेस कम रहेगा उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे, और अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगी तो टैक्स का रेट ज्यादा रहेगा। हालांकि दोनों ही केस में वो टैक्स रेट नहीं रहेगा जो अभी आपने लास्ट सेशन में हमारे साथ किया था, ठीक है, कि पहले 5% फिर 20% और 30%, आपको बताएंगे ये रेट बहुत ज्यादा है, 60% 80% का रेट है यहां पे, लेकिन अगर डिपार्टमेंट पता लगाएगी तो ज्यादा लेंगे, खुद से बता दोगे तो कम लेंगे, ठीक है। ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, अगर मैंने खुद से बताया तो जिस साल मैंने बताया उस प्रीवियस ईयर की इनकम, और मैं भी बता क्या रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने 4 साल पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, उससे नहीं मतलब है, कब बताया, किस प्रीवियस ईयर में बताया, तो जिस प्रीवियस ईयर में बताया उस प्रीवियस ईयर की इनकम। और अगर डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया, तो जिस ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता लगाया वो बन जाएगी उस इनकम की प्रीवियस ईयर, ठीक है इतनी बात। चलिए अब आ जाइए अपनी बुक पे, देखिए प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस ऑफ इनकम, और इसमें सबसे पहली हेडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं कैश क्रेडिट। बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सारी बात टेक्निकल है, कैश क्रेडिट क्या चीज होती है, कैश क्रेडिट का मतलब होता है एक क्रेडिट एंट्री पाई जा रही है, एक क्रेडिट एंट्री पाई जा रही है, ठीक है, जहां पे एक क्रेडिट एंट्री पाई जा रही है, जहां पे कैश डेबिटेड है या फिर बैंक डेबिटेड है, एक क्रेडिट एंट्री पाई जा रही है जहां पे बैंक डेबिटेड है या फिर कैश डेबिटेड है, और आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट इज कैश क्रेडिट। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री कर रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, चलिए कैश नहीं लिखते हैं, मेरे बैंक में एक एंट्री दिखाई दे रही है, वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन कितना, 50 लाख रुपीस। एक एंट्री मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में है, ठीक है, यहां कैश क्रेडिट का मतलब पता है क्या है, कैश ऑब्लिक बैंक, ये दोनों ही मतलब है इसका, और इसी को कैश क्रेडिट या की एंट्री कही जाती है, जहां पे कैश या बैंक डेबिटेड होता है, ठीक है। क्रेडिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोहन क्रेडिट हुआ है, मोहन क्यों क्रेडिट हुआ है इसकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। व्हाट इज कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट की एंट्री है, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 50 लाख रुपए, इसका मतलब है कि मुझे मोहन से 50 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब मुझसे पूछ रहा है, ये एंट्री मैंने की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे पूछ रहा है कि राज अग्रवाल जी आपके पास 50 लाख रुपए मिस्टर मोहन से आए हैं, ये कैसे आ गए। और मैं साइलेंट हूं, एकदम चुप, कुछ नहीं बोल रहा हूं। पता है इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि हम अपनी 100% अकाउंटिंग नहीं करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड पे रखते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पे होते ही नहीं है। बात समझिए, देखिए सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, ये डमी स्टोरी है, इट हैज नथिंग टू डू विथ माई एक्चुअल वर्किंग, ठीक है।
सिर्फ आप समझिएगा इस बात को। सपोज हम क्या करते हैं, तीन रिसिप्ट बुक को मेंटेन करते हैं, ठीक है, पैरेलल। इस पे भी 1 से 100 तक की रिसिप्ट है, इसमें भी 1 से 100 की रिसिप्ट है, इसमें भी 1 से 100 की रिसिप्ट है, मतलब तीन बुकलेट रिसिप्ट की है, फी रिसिप्ट के लिए तीन बुकलेट बना रखी है हमने, और तीनों में ही नंबरिंग 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 है। जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए, होना ये चाहिए 1 to 100, फिर दूसरी बुक होनी चाहिए 100, 1 to 200 एंड देन होनी चाहिए 200, 1 to 300, ठीक है। और जो बेसिकली मेरा बंदा फी काउंटर पे बैठता है, जो फी कलेक्ट करता है, उसको हमने कह रखा है कि पहला स्टूडेंट जब आए तो यहां पे एंट्री किया करो, इससे रिसिप्ट आके दो, दूसरा स्टूडेंट आए तो इससे, तीसरा आए तो इससे, चौथा आए तो फिर इससे, पांचवा स्टूडेंट आए तो इससे, छठवां आए तो इससे, फिर सातवां आए तो इससे, एंड सो ऑन। इस वाली रिसिप्ट बुक को, पहली वाली को मैं इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करता हूं, और सिर्फ यही वाली रिसिप्ट मैं इनकम टैक्स में दिखाता हूं। इन दोनों को मैं फाड़ के फेंक देता हूं, इसे इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें से एक मोहन की रसीद कटी थी, इसी रिसिप्ट बुक में से एक मोहन की रसीद कटी हुई थी, और उसका हमने चेक से पैसा रिसीव किया था, जो गलती से फर्म के करंट अकाउंट में लग गया, और करंट अकाउंट में ये एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखिए, अब हम अगर इसको रिकॉर्ड पे नहीं लाते हैं तो निश्चित है इन बच्चों या इसमें से जिसकी भी रिसिप्ट कटती है वो कैसी रिसिप्ट कटती होगी, कैश रिसिप्ट, ठीक है। और अगर चेक वाला कोई बंदा होगा तो निश्चित है यहां हम पैसा लेते होंगे उससे, और या फिर क्या करते होंगे, यहां पे अगर किसी से चेक ले भी रहे हैं तो या तो बियरर चेक ले लेते होंगे, ठीक है, सेल्फ चेक ले लेते होंगे, जाके बैंक से पैसा निकाल लेते होंगे, अकाउंट पे चेक तो इनसे नहीं लेते होंगे। लेकिन गलती से ऐसा हो गया, एक चेक ले ली गई और वो चेक फर्म के करंट अकाउंट में लग गई। अब इनकम टैक्स ऑफिसर हमसे पूछ रहा है कि ये मोहन से 50 लाख रुपए कैसे आ गए, तो हम उसको क्या बताएं कि दो रिसिप्ट बुक हम लोग और मेंटेन करते हैं और यहां की जो भी एंट्रीज होती है उसको दिखाते नहीं है, ये गलती से चली आई है, क्योंकि इस रिसिप्ट बुक को जिसको डिस्क्लोज कर रहे हैं इसमें मोहन की तो कोई इनवॉइस ही नहीं है, कोई बिल ही नहीं है, तो हम उसको क्या बताएं कि मोहन का पैसा कैसे आ गया है मेरे पास, हमने तो वो सेल रिकॉर्ड ही नहीं की है। अब इनकम टैक्स जब मुझसे ये बात पूछता है तो मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूं, चुप हो जाता हूं, ठीक है। अगर आप देखिए, निश्चित है, और आप ये समझ लीजिए आप बता सकते भी नहीं है, अगर आपने बता दिया तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या होगा, आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी कंसीलमेंट ऑफ इनकम की। देखिए, हम ये सब नहीं बता सकते यार, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये हम चाह के भी हम नहीं बता सकते। अगर आपने बोला कुछ भी कि मैंने ये सब कुछ किया है तो आपके ऊपर लगेगी पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, और ये पेनाल्टी बहुत जबरदस्त होती है, 300% की पेनाल्टी होती है, और जितना टैक्सेस बचाने की कोशिश की है वो टैक्स देना है, 300% की पेनाल्टी देनी है, इंटरेस्ट वगैरह मिला के जितना आपने रिसिप्ट नहीं जनरेट किया उससे कई ज्यादा आपका टैक्सेस हो जाएगा। 100 रुपए अगर आपने रिकवर किया तो 100 रुपए से ज्यादा का आपका टैक्सेस हो चुका होगा, ठीक है, टैक्सेस लगता है उसके ऊपर, 300% की पेनाल्टी लग जाती है, न जाने क्या क्या। देखिए, कोई भी इंसान ये बात एडमिट नहीं कर पाएगा, इनकम टैक्स का कानून इतना लीनियंट नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा, फिर आप एडमिट नहीं कर पाएंगे कि आप ये सब कांड करके बैठे हैं, ठीक है। अब जब इनकम टैक्स हमसे पूछता है कि बताइए ये एंट्री कहां से आ गई, कैसे आ गया ये 50 लाख रुपए, तो हम इधर साइलेंट होते हैं और या फिर फालतू की बात करने लग जाते हैं, फालतू की बात करने लग जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं कहां से आ गया सर ये 50 लाख रुपए, मोहन दे दिए, कौन मोहन, कैसा मोहन, अरे मेरे खाते में पैसा आया 50 लाख रुपए और हम ही को नहीं मालूम है कि कौन देखे गया है। हम ऐसी रिडंडेंट बात, फालतू बात करने लग जाते हैं डिपार्टमेंट के सामने, तो डिपार्टमेंट फिर क्या करता है, कहता है ये 50 लाख रुपए आपकी इनकम है करंट प्रीवियस ईयर की, ध्यान दीजिएगा, हालांकि सच पूछिए तो ये मेरी इनकम नहीं थी 50 लाख रुपए की, ये तो सेल था, इसका बिल नहीं काटे थे हम,
अरे बहुत कमाए होंगे 50 लाख रुपए, मेरा 2% का धंधा ही है, सच बता रहे हैं आपको, मेरा 2% का धंधा है, 50 लाख रुपए की सेल हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, 1 लाख रुपए उसमें कमाए थे, उस 1 लाख रुपए का ही टैक्स बचाने का प्रयास कर रहे थे हम। मेरी इनकम 1 लाख रुपए ही थी, लेकिन अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यह पैसा कहां से आया है, तो जितना आया है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। नाउ माय इनकम इज 50 लाख रुपीज, विच प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में उसने ये डिस्कवर किया डिपार्टमेंट ने। समझ में आई बात सबको? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पाई गई कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन 10,000 रुपए। हमसे पूछा गया सोहन ने आपको 10,000 रुपए क्यों दिए, हम बता नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं, रीजन बीइंग कि उसकी जो एंट्री थी, उसकी जो सेल बिल थी, वो ऐसी बुक से काटी गई थी जिसको हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। अब अगर हम नहीं बता पाएंगे तो वो 10,000 रुपए पूरी पूरी क्या मानी जाएगी, मेरी इनकम। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंक कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट का मतलब है कैश अकाउंट डेबिट टू समथिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू समथिंग। दैट मीन्स जब भी कुछ क्रेडिट किया गया है, कैश बैंक को डेबिट करके, व्हेनेवर समथिंग हैज बीन क्रेडिटेड, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट, राइट? अ क्रेडिट हैज बीन गिवन बाय सम लेजर, अ क्रेडिट हैज बीन गिवन बाय सम लेजर, राइट? एंड जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रही है, ठीक है? व्हेन एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी मेंटेन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, जब भी कोई सम क्रेडिट पाया जाता है बुक्स ऑफ द एसएससी में, मेंटेन फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। एसएससी से पूछा गया है कि ये क्रेडिट कैसे हो गए मोहन, वो कुछ नहीं बोल रहा है। अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एओ सेटिस्फैक्ट्री, और या फिर वो एओ की नजर में सेटिस्फैक्ट्री ही नहीं है, या तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और या तो एओ, एओ एसेसिंग ऑफिसर, एसेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो बंदा जो आपकी इनकम को एसेस कर रहा है, ठीक है, जो आपकी इनकम को चेक कर रहा है, उसे कहते हैं एसेसिंग ऑफिसर। तो जब आपसे पूछा गया कि हु इज मोहन एंड व्हाई हैज ही पेड यू 50 लाख रुपीज, ईदर यू आर साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट, और यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन विच इज रिडंडेंट, विच इज यूजलेस फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर। फालतू की बात कर रहे हो, मोहन पता नहीं कब दे दिया, कैसे दे दिया, कुछ भी बोल रहे हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एओ सैटिस्फैक्टरी, द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, उसी ईयर की वो इनकम मान ली जाएगी। देखिए जो भी पैसा मेरे अकाउंट में आता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इनकम नहीं होता, वो मेरी रेवेन्यू होती है। निश्चित है कि उसके लिए कुछ ना कुछ हमने खर्चे भी किए होंगे। अब जब हम वो रेवेन्यू नहीं दिखाए थे तो उसका खर्चा भी तो दिखाए नहीं थे, ठीक है? और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को सीधे इनकम बना दे रही है। अब हम बोल भी नहीं सकते उसको कि अरे ये तो सेल था, खर्चा तो अभी हम घटाए नहीं है। अरे बोले कैसे, हम कैसे एडमिट कर ले कि हम चोरी करते हैं इनकम टैक्स की? क्योंकि अगर ये हमने किया तो फिर तो बवाल हो जाएगा इनकम टैक्स में। निश्चित है मेरे ऊपर ऐसी ऐसी पेनाल्टीज लगेंगी कि हम बच नहीं पाएंगे, ठीक है? हमें सेंस वो सब बताना नहीं है आपको कि पेनाल्टीज वगैरह वहां पे क्या होती है, राइट? उसे कहा जाता है पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, राइट? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि नोबडी इज गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल दैट। ऐसे समझिए, जब आपके घर में इनकम टैक्स की रेट भी अगर पड़ती है ना, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि अरे ये कहां से, इतनी ज्वेलरी कहां से आ गई, ये गोल्ड कहां से आ गया, आपके पास ये जमीन के कागज कहां से निकल रहे हैं, ये सब आपकी है क्या? आपको तो पता नहीं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब सोने की बिस्किट्स कहां से आ रही है। यस, आप एडमिट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने एडमिट कर लिया तो आप और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इनफैक्ट हाँ, देखिए जनरली अपने क्लाइंट को हम क्या सजेस्ट करता है, इसलिए कि अगर आपके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो आप तुरंत बोला हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, कुछ बोलना ही ना पड़े, ठीक है? क्योंकि अब जो उनको करना है उनको करने दो, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला तो जितना पाया गया उससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि पेनाल्टी मिला के उससे भी ज्यादा हो जाएगा जो पकड़ा गया है। ऐसे तो कम से कम चुप रहोगे तो जो पकड़ा गया उसमें से कुछ लिया जाएगा, कुछ बच जाएगा, उसमें से कुछ लिया जाएगा टैक्सेस के नाम पे, हो सकता है पूरा चल जाए, बस इतना होगा। लेकिन अगर कुछ बोला तो ज्यादा जाएगा, भी जितना पकड़ा गया उससे भी ज्यादा। द सम सो क्रेडिटेड में बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। अब उसके बाद एक कहानी तो ये कंप्लीट हो गई। अब कैश क्रेडिट, एक चीज और है जो कहानी यहां से शुरू हो रही है।
Also in the case of a closely held company. What is closely held company? Anybody? What is closely held company? Closely held company क्या होती है? Closely held company का मतलब होता है private company. Closely held company का मतलब होता है private company. ठीक है? क्यों closely held बोलते हैं? Closely held इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत close लोग ही involved होते हैं. ठीक है? Public company जो होती है उसको widely held company कहते हैं क्योंकि widely उसमें people involved हैं. ठीक है? So also in the case of a closely held company, if the amount credited is by way of share application money, share capital, share premium, or any such amount by whatever name called, the explanation offered for the credit will not be considered to be satisfactory unless the person being a resident in whose name the amount is credited also offers an explanation about the source and nature of the amount credited. अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सब. आइए दूसरी बात करते हैं. पहले देखिए, मेरा एक क्लाइंट है जो कहता है मैंने 50 लाख रुपए कमाए हैं. क्या बोलता है मेरा क्लाइंट? कहता है सर, राज सर, मैंने 50 लाख रुपए कमाए इस साल. ठीक है, मैं इस पे टैक्स नहीं पे करना चाहता हूं. आई डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स. No tax payment. I don't want to pay tax. But I want this 50 lakh in my bank account. Matlab, I want it as my white money. Tax bhi nahi pay karenge aur white money chahiye. Bhai, tax nahi pay karoge to ya to bore mein bhar ke paisa ghar mein rakho. Aur tax pay karoge tab khate mein paisa aaram se rakha ja sakta hai. वो कहता है कि सर मुझे 50 लाख रुपए व्हाइट मनी चाहिए और मैं टैक्सेस पे करने को भी तैयार नहीं. अभी जनरल सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, टैक्स रेट हिंदुस्तान में क्या चल रहा है. जब भी हम बोले ना तो स्लैब की बात मत करना कभी कि सर पहले 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है. अरे वो सब छोटे लोगों के लिए है, 5% 20%. ठीक है, और इनकम टैक्स जो बना रही है ना सरकार हमारी, वो उन लोगों को देखती नहीं है जो साल भर में 10 लाख रुपए कमाते हैं. उनके हिसाब से कानून थोड़ी ना बन रहा है. उनसे थोड़ा सा टैक्स ले लिया जाता है, ये एक अलग बात है. गवर्नमेंट जब कानून बनाती है तो उनको सोच के बनाती है जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट कानून उनके हिसाब से बना रही है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साल में. ठीक है ये बात. तो आप मोटा मोटी यही कहा करिए कि सर 30% का टैक्स रेट है. 10 लाख रुपए तक ही तो है 5% और 20%. ठीक है, 5 लाख रुपए तक 5% है, उसके बाद थोड़ा से अमाउंट पे अगले 5 लाख रुपए पे 20 होता है, और फिर तो पूरे 30% टैक्स है. अब अगर हम 10 करोड़ रुपए कमाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 5, 20 और 30 देते हैं. अरे 30 ही देते हैं भाई, 2 करोड़ रुपए में से 10 ही लाख रुपया तो पे तो हमारा 5 और 20 है, उसके बाद तो पूरा 30% है. बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम लोग बात करेंगे ना तो हम लोग 30% सीधे बोला करेंगे. ठीक है, अब देखिए मोटा मोटी 50 लाख रुपए पे 15 लाख रुपए का टैक्स बनता है. और ये क्लाइंट मेरा कह रहा है कि सर मैं 15 लाख रुपया पे नहीं करूंगा टैक्सेस. ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पे कर दूंगा, कुछ हल्का फुल्के में काम चलाइए और इस 50 लाख रुपए को व्हाइट मनी बनाइए. अब बताइए क्या मैं करूं? कर सकता है कोई ऐसा काम? इसको व्हाइट मनी बनाना है और टैक्सेस भी पे नहीं कराना है. हम कहेंगे आइए आइए साहब, आइए मैं आपका ये काम कर देता हूं. मैं 50 लाख रुपए को व्हाइट मनी भी बना दूंगा और टैक्स भी पे नहीं कराऊंगा. मेरी फीस है 5 लाख रुपया, देंगे आप? ये एक बंदा कहता है यस दे देंगे. 15 लाख रुपए के टैक्स की जगह 5 लाख रुपए में काम बन गया. सीए साहब को ही दे देते हैं, सरकार को देने से अच्छा. सरकार को देंगे 15 लाख, देंगे सीए साहब को देंगे तो कितना देंगे? 5 लाख रुपया देंगे. अब देखिए हम क्या करेंगे. अब हम 3-3 लाख रुपए की, 3-3 लाख रुपए की 17 लोगों की रिटर्न भर देंगे. 17% की कितना हो गया? 51 लाख रुपया. ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं. 3-3 लाख रुपए की रिटर्न भरेंगे 17 लोगों की. इसकी रिटर्न नहीं भरेंगे, 17 लोगों की रिटर्न भरेंगे 3-3 लाख रुपए की. कैसे? अब हम अपनी स्टूडेंट से पूछेंगे, बच्चों
क्या मैं आपकी तीन तीन लाख रुपए की रिटर्न भर दूं? आप बोलेंगे सर मैं कुछ कमाता ही नहीं हूं, आप 3 लाख रुपए की मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे? हम कहेंगे हाँ बच्चों, फर्क क्या पड़ता है, 3 लाख रुपए पे देखो बच्चों कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप बोलेंगे हाँ बात तो सही है, कैसे नहीं लगेगा 3 लाख तक टैक्स? आप 60 साल से ऊपर के तो हो नहीं तो भी 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? हाँ 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए 50,000, 50,000 का 5% 2,500 और 2,500 रिबेट मिल जाएगा। 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख रुपए तक 50,000 का डिफरेंस है, 50,000 का टैक्स कितना बनेगा? 2,500 और 2,500 रिबेट मिल जाएगा, यानी 3 लाख रुपए पे भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा लगेगा। और मैं आप लोग को बोलूंगा कि जो लोग अपनी रिटर्न 3 लाख रुपए की भरवाएंगे मैं उनको 10,000 रुपए नकद दे दूंगा, 10,000 आपको मिल जाएगा आपकी रिटर्न फाइल कराने का। आपकी रिटर्न फाइल करने का मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, आपकी रिटर्न फाइल भी करेंगे और आपको 10,000 रुपया भी देंगे। बोलो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे नोन लोग हैं ठीक है, उनके क्लाइंट के हम कहेंगे कि आप अपने नोन लोग लाइए जिनकी कोई इनकम इनकम नहीं है, बस झूठ मूठ की रिटर्न फाइल कर देते हैं, 10,000 रुपया उन लोगों को दे भी दिया जाएगा ठीक है, और रिटर्न फाइल कर देंगे। इनफैक्ट यहां पे हम जानते हैं आप लोगों की नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली बताते हैं हम किनकी करेंगे। हम उनकी करेंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, देखिए आपको समझ में आता है। हम ऐसे लोगों की कर देंगे जिनको हम जहां कहेंगे वो वहां अंगूठा लगा देते हैं, हम उनको जहां कहते हैं वो वहीं अंगूठा लगा देंगे अपना, हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे ठीक है। जो हमारे यहां प्यून कैडर के लोग होंगे, हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आप अपने यहां से कुछ लोगों को मैनेज कीजिए ठीक है, और उनके रिटर्न भर देंगे हम लोग और 3-3 लाख रुपए की इनकम दिखा देंगे और उनके खाते में 3-3 लाख रुपए जमा कर देंगे। तो देखिए 17 लोगों के खाते में 3-3 लाख रुपए जमा हो चुका है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 17 लोगों पे मेरा खर्चा कितना लगा, हम उन 17 लोगों को 10,000 रुपया भी दे दिए हैं तो भी कितना लगा, 1,70,000 रुपया ठीक है। टैक्स कुछ लगा नहीं, बाकी 5 लाख रुपए हमने अपने क्लाइंट से लिया था, 5 लाख रुपए में से 1,70,000 रुपए हमने खर्चा किया, बाकी 3,30,000 रुपए हमने मैनेज कर लिया। बल्कि हो सकता है 1,70,000 रुपए भी हम क्लाइंट से ही दिलवा दिए, चलो इतना और कर दो, 5 लाख रुपए मेरी फीस हो गई। अब 17 लोगों के बैंक अकाउंट में हमने 3-3 लाख रुपए जमा करा दिया ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्लाइंट की एक कंपनी बनाएंगे, ये जो मेरा क्लाइंट था जिसके पास 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी था उसकी एक कंपनी बनेगी, मान लीजिए उसका नाम है ए लिमिटेड। इसमें शेयर कैपिटल का पैसा वो 17 अकाउंट से आएगा, 17 अकाउंट से शेयर कैपिटल का पैसा आएगा, शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम ये दोनों मिला के पैसा आएगा, या तो कैपिटल के नाम पे ले लेंगे या कुछ प्रीमियम के नाम पे भी ले लेंगे। वो 17 लोगों का पैसा कंपनी में आ जाएगा इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल और यहां पर 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आ गई। अब ए लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल से पैसा आ गया, ये ए लिमिटेड किसकी कंपनी है, उसी क्लाइंट की कंपनी है जिसके पास 50 लाख की ब्लैक मनी थी। उस 50 लाख की ब्लैक मनी देखिए उसकी बैलेंस शीट में चली आई, 50 लाख रुपया ये शेयर कैपिटल और यहां बैंक बैलेंस 50 लाख रुपया। टैक्स पे किया उसने नहीं, बस सीए साहब की 5 लाख रुपए की फीस दी और काम हो गया। सरकार कितना टैक्स ले लेती इस पे, 15 लाख रुपया ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब हम इनसे पूछेंगे ए लिमिटेड से कि बताइए आपके पास ये शेयर कैपिटल का पैसा कैसे आया। तो ए लिमिटेड क्या बोलेगा, ए लिमिटेड तो बोल देगा, कह देगा कि ये देखिए ये पैसा कैसे आया, ये 17 लोग दिए हमको पैसा, यहां से आया है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, कह रही है अब इनको बुला के पूछेंगे, अगर ये लोग भी सही सही बता दिए कि ये पैसा इनके पास कैसे आया था यहां पे देने के लिए, तब तो हम इसको शेयर कैपिटल मानेंगे। और अगर ये 17 लोग लड़खड़ाए अपनी बात बोलने में, ये साबित नहीं कर पाए कि वो पैसा यहां पे लगाने के लिए कैसे आया था, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम ये 50 लाख रुपए जो इनके पास आया है उसको शेयर कैपिटल ना मान के इस मिस्टर ए जिसकी ये कंपनी है उसकी इनकम मान लेंगे। मतलब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि शेयर कैपिटल का पैसा अगर एक प्राइवेट कंपनी में आ रहा है तो वो जेन्युइन आ रहा है कि उसी बंदे की ब्लैक मनी घूम के आ रही है।
और ये बात समझ में, जैसे अगर हम आज प्राइवेट कंपनी बनाते हैं उसमें शेयर कैपिटल का पैसा आता है, तो जो जो लोग शेयर कैपिटल मेरे प्राइवेट कंपनी का खरीदे गवर्नमेंट उनसे बात करेगी और देखेगी क्या उसके पास जेन्युइन इनकम आई थी जिसका उसने शेयर खरीदा है, या राज अग्रवाल अपना ही ब्लैक मनी उसको देके अपना ही कंपनी का शेयर खरीदवा दिए है। और ये बात समझ में। अब देखिए हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, देखिए ये सब प्लानिंग 50 लाख रुपए की नहीं होती है, 3-3 लाख रुपए की। पता है एक एक आदमी की रिटर्न 3-3 लाख रुपए की हम पिछले 10 सालों से भर रहे हैं, ठीक है। एक एक आदमी के पास 30-30 लाख रुपए की व्हाइट मनी हमने बैंक में जमा कर रखी है, और ऐसे 100-100 आदमी है, 100 लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 300 लाख रुपए हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग जो होती है ना बेसिकली इस तरीके की नहीं होती है। ये 3-3 लाख रुपए की हम 10 साल से रिटर्न भर रहे हैं, एक एक आदमी की 30-30 लाख रुपए बन चुकी है, 100-100 लोगों का रिटर्न इस तरीके से फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो 300 लाख रुपए हो गए, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इस तरीके से शेयर कैपिटल आई हुई है, और वो सब किसकी है, वो उसी बंदे की है जिसकी ये कंपनी है, वो अपना ही ब्लैक मनी घुमा के क्या किया है, शेयर कैपिटल के नाम पे पैसा लगवा लिया है। और ध्यान दीजिए ये पर्सन कौन है, क्या ये पर्सन कभी भी इस कंपनी में शेयर कैपिटल है तो प्रॉफिट डिविडेंड ये सब क्लेम कर पाएंगे, ये सब इनको आता ही नहीं है, ये सब मालूम ही नहीं है, ये पढ़े लिखे ही नहीं है, ठीक है। अब आइए देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है मिस्टर ए ये बताइए आपकी कंपनी ए लिमिटेड यहां पे ये पैसे कैसे आए, वो कहता है यहां से आए, ये 17 लोगों ने लिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला किसको बुलाता है, कहता है कि आपने ए लिमिटेड में 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, बताइए ये पैसे आपके पास कहां से आए, ठीक है। ये कौन है पता है, ये ए के घर की दाई है, झाड़ू पोछा करती है वहां पे, ठीक है। इसको महीने के 3000 रुपए मिलते हैं, और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि आपने 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं ए लिमिटेड में, वो वहीं बेहोश हो जाती है। अभी सुना ही नहीं था उसने 50 लाख रुपए एक साथ, ठीक है। वो कहती 50 लाख रुपए हमने शेयर खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, वो खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले से पूछने लग जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला समझ जाता है कि ये पैसे इसके नहीं थे, वो कहता है ठीक है आप जाइए, ये चली आई है। और अब वो ए लिमिटेड से बोलता है ये जो पैसा आपका है ये आपका शेयर कैपिटल नहीं है, ये आपकी इनकम है, ये आप ही ने अपना पैसा देके क्या किया था, डाइवर्ट किया था, एंड नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ मिस्टर ए। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब बताइए जो हम आपको से कह रहे थे कि हम ये सब करते होंगे, हम 17 लोगों की रिटर्न भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे क्या ये सब? अरे ये सब कुछ नहीं होता आज की तारीख में, ये सब हुआ करता था किसी जमाने में, आज कोई नहीं करेगा ये सब, आज गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी ना। गवर्नमेंट क्योंकि सिर्फ हमसे बात नहीं करती, हम जिसका नाम लिखेंगे गवर्नमेंट उसको बुलाएगी, पूछेगी आपने इतना पैसा दिया है, वो बंदा साफ मना कर देगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ये सब हुआ है, क्या देखा कौन सा शेयर कैसा शेयर हमको कुछ पता ही नहीं है। और अगर उसने कुछ भी, अब देखिए 17 लोग हैं, कोई एक लोग तो गलत कर सकता है ना उसमें, हमने 100-100 लोगों की रिटर्न फाइल की है, बताइए हम कितना भी सिखाएंगे एक तो गड़बड़ कर देगा, एक भी गड़बड़ कर दिया देखिए ये पूरा का पूरा पैसा मेरा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगी, 30% का टैक्स चला जाएगा। और फ्रॉड के केस में अलग अंदर जाएंगे, देखिए इनका कुछ नहीं होगा। आरी बात समझ में? तो आज कोई भी ये सब नहीं करेगा, आज कोई भी ये सब नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, कानून बना दिया है, बड़ा सुंदर कानून बनाया है। आइए पढ़ते हैं फिर से इस कानून को, और अब आपको ये बात समझ में आएगी। ऑल्सो इन द केस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी द अमाउंट क्रेडिटेड इज बाई वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। कह रहा है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, देखिए पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट नहीं पूछती है। अगर हम रिलायंस कंपनी के शेयर लेते हैं तो गवर्नमेंट समझती है कि लोग रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। गवर्नमेंट कह रही है अरे लोगों को पैसा लगाना होगा तो राज लिमिटेड में क्यों लगाएंगे, अरे लगाना ही होगा तो रिलायंस कंपनी जिंदा नहीं है क्या, वहां लगाएंगे। अगर मेरी कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है तो गवर्नमेंट पैन ही निकाह से देखती है, कहती है राज ही है, अपना ही पैसा दिए होंगे, कहेंगे मेरे कंपनी का शेयर खरीद लो, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट पैन ही नजर रखी है। देखिए क्या है, ऑल्सो इन द केस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी द अमाउंट क्रेडिटेड इज बाय वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी।
अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी में अमाउंट क्रेडिटेड पाया जाता है, कैसे? शेयर एप्लीकेशन मनी का, शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर प्रीमियम के नाम से, और एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, या फिर कोई भी इस तरीके के नाम से। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड फॉर द क्रेडिट, अब आपसे पूछा गया कि पैसा कहां से आया, ये जो क्रेडिट दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल का पैसा, ये सब कहां से आया? तो कह रहे हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड फॉर द क्रेडिट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सैटिस्फैक्ट्री। कह रहा है कि जो मिस्टर ए से पूछा गया कि आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल का पैसा कहां से आया है, तो उसने बताया ये 17 लोगों से आया है, ये 20 लोगों से आया है। कह रहा है ये बात सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी, कब तक? अनलेस द पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट इन हूज नेम द अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑल्सो ऑफर एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स एंड नेचर ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड। जब तक कि वो बंदा जिसके नाम से वो पैसा क्रेडिट किया गया है, मतलब शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर भी जब तक ये एक्सप्लेनेशन सही सही ना दे दे कि वो पैसा कहां से आया था और उसने कैसे लगाया, तब तक मिस्टर ए की बात सही नहीं मानी जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब बताइए, जो लोग 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की नौकरी करते हैं, उनके पास 50,00,000 रुपए जुड़ जाएगा शेयर खरीदने के लिए? आ रही है बात समझ में? गवर्नमेंट भी तो इतना समझती है कि नहीं समझती है? बिल्कुल समझती है। Further such explanation should be found to be satisfactory by the assessing officer. Further such explanation should be found to be satisfactory by the assessing officer in the event of failure to do so. देखिए, satisfactory ये की नजर में होना चाहिए जो भी बात shareholder समझा रहा है, और अगर वो satisfactory नहीं है, the entire amount credited will be taxed. और अगर वो shareholder की बात income tax department वाले को सही नहीं लगी, तो वो सीधे कहेगा मिस्टर ए ये पूरा तुम्हारा ही इनकम है, ठीक है? The provision does not apply to amount received from venture capital fund or venture capital company. लेकिन अगर पैसा venture capital fund या फिर venture capital company से आता है, तो इसमें ये सारी बात लागू नहीं होगी। मतलब उनसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसा आया है ना 50,00,000 रुपया, ये किसने दिया है? ये venture capital fund या venture capital company, दोनों एक ही चीज होती है। VCF वेंचर कैपिटल फंड, VCC वेंचर कैपिटल कंपनी, ये दोनों एक ही चीज होती है, चाहे VCC कह लीजिए चाहे VCF कह लीजिए। कह रहा है कि अगर VCC या VCF है से पैसा आया हुआ है ये 50,00,000 रुपया, तो ये कानून नहीं लगेगा। क्या मतलब है इसका? VCC या VCF क्या होते हैं हम आपको बताएं, वेंचर कैपिटल कंपनी, इनका ऑब्जेक्टिव होता है हाईली रिस्की वेंचर्स में पैसा लगाना। ये लोग नए एंटरप्रेन्योर को ढूंढते हैं जो मार्केट में बहुत नए हैं, ठीक है, जिसमें बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है, लेकिन पैसे की कमी है। कौन होता है वेंचर कैपिटल कंपनी? वेंचर कैपिटल कंपनी वो कंपनी है जो ऐसे लोगों को मार्केट में खोजती है, जो देखती है जिनके पास पैसे की कमी है, भरपूर कमी है ही नहीं पैसा, ठीक है, जेब में चवन्नी नहीं है, लेकिन बातें वो कैसी करता है, अगर 10,00,000 करोड़ रुपए होते तो ये कर गुजरते, ऐसे लोगों को वीसीसी क्या करती है? खोजती है, जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, नॉलेज भरपूर है, पैसा नहीं है, नॉलेज जबरदस्त है, अगर पैसा उनको दे दिया जाए तो वो 100 रुपए का 500 रुपए बना देंगे, ये ताकत है उनके में, लेकिन पैसा ही नहीं है बनाने के लिए। तो वेंचर कैपिटल कंपनी ऐसे लोगों को पकड़ती है और उनके कंपनी में पैसा डालती है, क्योंकि इनका धंधा ही यही है। तो कह रही है अगर इससे पैसा आएगा तो गवर्नमेंट कहती है तब हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनका तो धंधा ही यही है, ये तो अनाप शनाप पैसा खुद ही झोंकते हैं ऐसी कंपनियों में जो लोग नए टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वीसीसी वीसीएफ से पैसा आएगा तो गवर्नमेंट पूछताछ नहीं करेगी। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं हम लोग। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल गया कि मेरे पास मुंबई में एक फ्लैट है जो कि 5,00,000 रुपए का है, और यह मैंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कभी डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने ये जो 5,00,000 रुपए का फ्लैट मुंबई में खरीदा था, यह पता कैसे खरीदा था? अपनी ब्लैक मनी से, ठीक है। ये हमने डिस्क्लोज ही नहीं कर रखा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक मनी से खरीदा हुआ है। ब्लैक मनी क्या होती है? वो पैसा जिसको हम रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे पास बच्चों से फीस आ रही है और हम उसको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा? अगर हम उसे इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में वो क्या कहलाएगी? मेरी ब्लैक मनी कहलाएगी। समझ में आ रही है बात सबको? और उसी पैसे से हमने क्या किया, 5 करोड़ रुपए का मुंबई में फ्लैट खरीद लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल गया कि राज अग्रवाल ने 5 करोड़ रुपए का फ्लैट मुंबई में खरीदा है। उन्होंने हमसे पूछा कि ये पैसे आपके पास कहां से आए? क्या बोले उनको? बोल दें कि हम पैसा लेते थे, उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे और उसी पैसे से उठा के फ्लैट खरीद लिए हैं, ये वो पैसे हैं जिन पे हम टैक्स नहीं दिया करते थे। बता दे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? बिल्कुल नहीं, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। अब पकड़ लिए तो पकड़ लिए, अब हम करें क्या? चुप रहेंगे एकदम। और या फिर हम भी फालतू की बात करने लगे, मेरे पास फ्लैट है मुंबई में, कहां से आया, कैसे आया, कब आया, अरे ये रजिस्ट्री मेरे नाम से कब हो गई, मुझे खुद नहीं पता। या तो ये सब बोलेंगे और या फिर चुप रहेंगे। हम एडमिट तो कभी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम प्रीवियस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट आपकी पाते हैं जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया था तो वो इन्वेस्टमेंट की जो आज वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो आपकी इस साल की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने तो 5 करोड़ में फ्लैट खरीदा था मुंबई का, 3 साल पहले खरीदा था। आज तो उसकी मार्केट वैल्यू पता है कितनी हो गई? 8 करोड़ रुपए। अब पकड़ा आज गया है कि इनकम कितनी मानी जाएगी मेरी? 5 करोड़ भी नहीं, अब 8 करोड़ मानी जाएगी। क्योंकि हम तो गवर्नमेंट को कुछ बता ही नहीं डाल रहे हैं कितने में खरीदे थे, क्या खरीदे थे। तो गवर्नमेंट आज की मार्केट वैल्यू देखे कि फ्लैट की आज की मार्केट वैल्यू 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ रुपए मेरी इनकम मान ली जाएगी। समझ में आ गई बात सबको? चलिए देखिए, वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर द एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, तो स्वाभाविक सी बात है असेसमेंट ईयर का जो प्रीसीडिंग ईयर होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एक जिसमें एसएससी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, हैज मेड सम इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए फ्लैट है, विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, इफ एनी मेंटेन बाय हिम फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और एसएससी से जब पूछा जा रहा है कि ये कहां से आया, कैसे आया, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एसेसिंग ऑफिसर सैटिस्फैक्ट्री। और या फिर अगर वो कुछ बोल रहा है तो एओ के लिए वो सैटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मे बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, आज की जो मार्केट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की वो क्या मान ली जाएगी? एसएससी की इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम मान ली जाएगी। सीधे 8 करोड़ रुपए मेरी इनकम मान ली जाएगी, उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर टैक्स वो सब नहीं चलता है जो आप अभी पढ़ के आ रहे हैं। ये जो पूरी हेडिंग है ना, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, यहां पे जितना भी आप पॉइंट पढ़ रहे हैं यहां पे टैक्स रेट बहुत हाई है। अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि टैक्स क्या रेट से पे करना है। क्लियर है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट? नाउ अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी ये क्या चीज है? देखिए, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, मेरा पड़ोसी ही है, ठीक है। एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते मेरे घर चाय पीने चला आया। उन्होंने कहा ठीक है आइए साहब बैठिए, पीते हैं आपके साथ चाय। जैसे ही वो सोफे पे बैठता है सोफा फट जाती है, देखिए नसीब मेरा खराब था, सोफा फट जाती है और सोफे में से सोने की बिस्किट धड़ाधड़ बाहर आने लग जाती है। देख रहा है वो इनकम टैक्स ऑफिसर, सोने की बिस्किट धड़ाधड़ बाहर आने लग जाती है। मैं घबराहट में क्या करता हूं, बेड पे बेडशीट लगी हुई थी, मैं खटाक से उठाता हूं और वो सोफे पे फेंकने लग जाता हूं ताकि वो सोने की बिस्किट ढक जाए। और देखिए मेरा नसीब कितना खराब है, जैसे ही मैं बेडशीट उठाता हूं बेड पे कल ही मैंने 2000 के नोट की गड्डियां बिछा रखी थी, वो पूरी दिखने लग जाती है। मैं फिर घबरा जाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि बेसिकली बेड पे जो तकिए वगैरह रखे हुए हैं, बेड पे जो गद्दे रखे हुए हैं उसको मैं क्या करता हूं, टर्न कर देता हूं तो नोट उसके नीचे चिप जाएगा। मैं बेड पे जो गद्दे थे उसको टर्न करता हूं तो धड़ाधड़ वहां से ज्वेलरी निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं और घबरा जाता हूं, परेशान होने लग जाता हूं, मैं दरवाजे को कस के बंद करने की कोशिश करता हूं, दरवाजा टूट के गिर जाता है और ऊपर फॉल सीलिंग से धड़ाधड़ ज्वेलरी और गिरने लग जाती है।
और वो सब इनकम टैक्स ऑफिसर देख रहा है, अब बताइए क्या होगा? वो मुझसे पूछता है कि बताइए ये आपके पास ज्वेलरी, इतनी गोल्ड की बिस्किट्स, सिल्वर्स, ये सब कहां से आ गए? ये पूरा 2000 के नोट की गड्डियां आपने बिछा रखी हैं पूरे घर में, ये कहां से आ गए? बताइए कोई जवाब है क्या मेरे पास? कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि अनएक्सप्लेन मनी क्या होता है, ठीक है? मेरे तो जेब में भी पैसे नहीं होते हैं, तो ये एग्जांपल है, मैं फिर से रिपीट करते हैं उसको, वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर पूछता है मुझसे कि बताइए ये सब आपके पास कहां से आ गए? कोई जवाब है क्या मेरे पास? बिल्कुल नहीं। कहां से बोलें कि ये पैसे आ गए हैं? कैसे बताएं कि हम इनकम जो कमाते थे उस पर टैक्स नहीं देते थे और ये सब खरीद के घर में जुटाते रहते हैं? अब इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी वैल्यूएशन कराएगा, जितनी ज्वेलरी निकली है, बुलियंस निकले हैं, सोने की बिस्किट वगैरह निकली है, ठीक है, जितना मनी निकला है, इन सब जितना आइटम भी है सबकी वैल्यूएशन कराई जाएगी। अब वैल्यूएशन कराने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आती है वो मेरी इस साल की इनकम मान ली जाएगी। ये अनएक्सप्लेन मनी। अनएक्सप्लेन मनी मतलब मनी आपके पास पाया गया, पूछा गया कहां से आया तो हम चुप बैठे हैं, अरे यार तो बकवास कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, अरे कहां से ये सब बिस्किट निकल जा रही है, ये कहां से नोटों की गड्डी आ जा रही है, हम भी खुद ताजुब खा रहे हैं, उसी से पूछ रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से, अरे कहां से आ रही है सब गड्डी, ठीक है? क्यों? क्योंकि एडमिट नहीं कर सकते हम, कैसे बता दे कि ये चोरी की है? अगर बता दिए तो और कल्याण हो जाएगा मेरा, मेरे ऊपर पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है बस देखो अब, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं इसको। अनएक्सप्लेन मनी, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एसएससी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, किसी प्रीवियस ईयर में यह पाया जाता है कि एसएससी ओनर ऑफ एनी मनी है, मनी मतलब 2000 के नोटों की गड्डियां जो पड़ी थी, बुलियन, बुलियन का मतलब होता है सोने की बिस्किट, चांदी की बिस्किट, ठीक है? एक एक किलो की बिस्किट पड़ी है मेरे पास सोने की, ठीक है? डमी एग्जांपल है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये लेक्चर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी सुन रहे हो, तो बता दें कि इसमें मैं मतलब एक एग्जांपल है बस, मेरे पास कोई सोने की बिस्किट नहीं है। ज्वेलरी, मेरे पास क्या पाया जाता है? मनी पाया जाता है, बुलियन पाया जाता है, ज्वेलरी पाई जाती है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, एंड सच मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ एनी मेंटेन बाय हिम फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मेरी ब्लैक मनी से खरीदा हुआ है, ठीक है? एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। एसएससी जब पूछा गया कि बताइए सब कहां से आया, तो वो चुप बैठा है अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एओ सैटिस्फैक्ट्री, और या फिर वो एओ की नजर में सैटिस्फैक्ट्री नहीं है। एओ मतलब एसेसिंग ऑफिसर, एसेसिंग ऑफिसर का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर जो मेरी इनकम को एसेस कर रहा है। द मनी एंड द वैल्यू ऑफ द बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मे बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। द मनी एंड द वैल्यू ऑफ बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मे बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। उन सबकी वैल्यूएशन कराई जाएगी और जो वैल्यू आती है वो आपकी इनकम बन जाएगी। फोर्थ देखिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि जनरली ये होता है कि हमने पॉइंट नंबर टू में आपको जो बोला था ना कि मैंने 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया मुंबई में ब्लैक मनी से, ऐसा नहीं करते हैं लोग, मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करता है ये सब। देखिए क्या किया जाता है, हम आपको बताएं, पूरा ब्लैक मनी इसे खरीद लेंगे, पक्का फंस जाएंगे, पता चल ही जाएगा मुंबई में मेरे पास फ्लैट है। हम करते क्या है, 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, हमको इसको परचेस करना है, ठीक है? हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए व्हाइट मनी दे देते हैं, ठीक है, बैंक से पैसा दे देंगे उसको, और 4 करोड़ रुपए कैश पकड़ा देंगे, ब्लैक मनी जो मेरी है, ये करते हैं। अब इससे क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए तो व्हाइट में हम दिए ही है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा भी देते हैं, फ्लैट दिखा देते हैं 1 करोड़ रुपए का, मेरे अकाउंट में दिखाई दे रहा है फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मेरा फ्लैट पकड़ेगा कि अरे आपके पास तो फ्लैट है, तो हम कहेंगे देखो लिखा तो है, फ्लैट खरीदे तो थे 1 करोड़ रुपए का, बैंक से पैसा दिए थे, उस इनकम से दिए थे जिस पे टैक्स पे किए हैं, तो क्या मजाक किए हुए हो,
ये करते हैं, हर कोई ये करता है। अब बात क्या हो रही है देखिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। क्या मतलब है अब इसका, 1 करोड़ रुपए का ये फ्लैट थोड़ी ना है, ये फ्लैट तो 5 करोड़ रुपए का है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला फ्लैट देखता है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है 1 करोड़ रुपए का, वो पता करवाता है कि मुंबई में जो फ्लैट राज अग्रवाल के पास है वो कितने का है, और उसे पता चलता है कि उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। अब वो मुझसे पूछता है कि ये बताइए आपको 1 करोड़ रुपए में कैसे मिल गया वो फ्लैट, वो तो 5 करोड़ का फ्लैट है। अब हम समझ गए हैं कि अब कुछ भी समझाने से वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो 5 करोड़ का ही फ्लैट है, तो हम चुप हैं। और या फिर हम ऐसे बोलते हैं, अरे वो दे दिया था हमको, पता नहीं बड़ा लगाव हो गया था, मैं बात किया ना उससे, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ, तुरंत 1 करोड़ रुपए का फ्लैट दे दिया। वो समझ रहा है कि बकवास कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन 5 करोड़ रुपए का फ्लैट इनको 1 करोड़ रुपए में क्यों पकड़ा देगा। ठीक है, वो समझ गया है कि मैंने 4 करोड़ रुपए की अपनी ब्लैक मनी यहां पर यूज की है, तो जितना डिफरेंशियल है, 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, हमने 1 करोड़ रुपया डिस्क्लोज किया है, कितना डिस्क्लोज नहीं किया, 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम बना दी जाएगी। आ रही बात समझ में, बताइए आज की डेट में 1 किलो गोल्ड कितने का है, 1 किलो अगर हमें सोना खरीदना हो कितने का है, आज का भाव 31 लाख रुपए का है। ठीक है बच्चों, 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं, आज 1 किलो हमको 24 कैरेट गोल्ड खरीदना हो तो 31 लाख रुपीज का है। ठीक है, हमने 10 किलो आज गोल्ड खरीदा है, 10 केजी गोल्ड कितने का हुआ, 3 करोड़ 10 लाख रुपया, 10 किलो गोल्ड खरीदा हमने, 3 करोड़ 10 लाख रुपया का हुआ। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गोल्ड दिखा दिया और पता है लिखा कितना, 31 लाख, बस 31 लाख रुपए में 10 किलो सोना खरीद लिए 31 लाख रुपए में। क्यों, क्योंकि 31 लाख रुपया तो हम व्हाइट मनी दिए थे, इतना बैंक से दिए थे, और बाकी सब नगद पकड़ा दिए थे अपना ब्लैक मनी। अब इनकम टैक्स ऑफिसर देख रहा है 10 किलो सोना राज अग्रवाल 31 लाख रुपया में खरीद लिए, वाह गजब कर लिए हो तुम तो। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कैसे मिल गया आपको, हमको तो 1 किलो ही मिलता है। हमने कहा कि या तो हम चुप बैठे हैं, क्योंकि हम समझ गए कि अब तो पकड़े गए हैं। ठीक है, और या फिर क्या होगा, मतलब बेसिकली हम 10 किलो लिखे नहीं होंगे, हम लिखे होंगे गोल्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 लाख रुपए का। आप कहोगे कि ऐसी बेवकूफी कोई क्यों करेगा, हम गोल्ड लिखे हैं 31 लाख रुपए का। बेसिकली वो मेरे घर में आता है और पकड़ लेता है, मेरे घर में उसको मिल जाता है कि मेरे पास 3 करोड़ 10 लाख रुपए का गोल्ड है। ठीक है, ये हम पकड़ा गए हैं, उसने देख लिया मेरा गोल्ड 3 करोड़ 10 लाख रुपए का। कह रहा है कि आपके पास 3 करोड़ 10 लाख रुपए का गोल्ड है, आप 31 लाख रुपए का गोल्ड है, 10 किलो सोना आपने 31 लाख रुपए में खरीद रखा है, या तो हम चुप बैठे हैं या तो फालतू की बात कर रहे हैं, उसने दे दिया था मुझे, पता नहीं क्यों दे दिया था ऐसे वैसे। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि नो आई एम लाइंग। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द डिफरेंस विल बी टेकन, जितना हमने डिफरेंशियल है मार्केट वैल्यू से 3 करोड़ 10 लाख माइनस 31 लाख रुपया, द डिफरेंशियल मेरी इनकम बन जाएगी और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आइए पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 4। Where in any financial year the SSC has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article and the assessing officer finds that the amount expended on making such investment or in acquiring such bullion, jewelry or other valuable article exceeds the amount recorded in this behalf in the books of account maintained by the SSC for any source of income and the SSC offers no explanation about the such excess amount or the explanation offered by him is not in the opinion of AO satisfactory, the excess amount may be deemed to be the income of the SSC for such financial year. आपसे पूछा गया कि ये differential पैसा आपके पास कहां से आया, बताइए जरा, और आप कुछ नहीं बता पा रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तो जो भी differential पैसा है जो आपने ब्लैक मनी यूज की थी वो आपकी इनकम बना दी जाएगी। आइए अगला समझते हैं हम लोग, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ये क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चाहिए, हाँ थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो पहले थोड़ी सी बात आपसे करते हैं तब इस बात को समझाते हैं, व्हाट इज दिस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। देखिए हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मेरा पीएल कैसा होता है, यहां पे होता है रेवेन्यू बाई रेवेन्यू, और इधर होते हैं सारे एक्सपेंसेस, टू एक्सपेंस सबका नाम दे देते हैं, ये एक्सपेंस ए, एक्सपेंस बी,
एक्सपेंसी, इधर सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और यहां पे आ जाता है टू प्रॉफिट, ऐसे ही आता है प्रॉफिट। इधर रेवेन्यू होती है और इधर सारे खर्चे होते हैं। अगर मुझे अपना प्रॉफिट गिराना है, देखिए ब्लैक मनी कैसे एक्युमुलेट होगा, ब्लैक मनी एक्युमुलेट तभी होगा जब हम प्रॉफिट कम दिखाएंगे। कमाते 10 लाख रुपए हैं, अगर 4 लाख रुपए दिखाएंगे तो 6 लाख रुपए की ब्लैक मनी हो गई। बात समझ में आ रही है ना सबको? और क्यों भाई ब्लैक मनी हम बना देते हैं, क्यों जितना कमाते उतना नहीं दिखाते? सही सीधी सी बात है, जितना इनकम दिखाएंगे उतना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रॉफिट कम करना है तो मैं क्या करता हूंगा, व्हाट आई मस्ट हैव बीन डूइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रॉफिट, क्या करते होंगे हम, अपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैसे चेंज करते होंगे, क्या करते होंगे कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए? हाँ बताइए, आपका कहना है कि सर हम रेवेन्यू अपने गिरा देते होंगे, बड़ी सुंदर बात, चलिए रेवेन्यू गिरा देंगे और एक्सपेंसेस को बढ़ा देते होंगे। अच्छा, इनका कहना है कि सर हम अपनी रेवेन्यू कम कर देते हैं, अपने खर्चे को बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। खर्चे बढ़ा दिया, रेवेन्यू गिरा दिया, चलिए ठीक है, मानते हैं आपकी बात। एक मेरी बात भी सुन लीजिए, फिर देखिए शायद क्या आपका ये ओपिनियन है कि नहीं है। मेरा एक खर्चा है, मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं टू रेंट, एक मेरा खर्चा है रेंट का, और ये है 20,000 रुपए का, 20,000 नहीं लिखते हैं, 20 लाख रुपए लिखते हैं। ये रेंट है मेरा 20 लाख रुपए का। अपने रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, ये है 1 करोड़ रुपए की, और भी सब खर्चे हैं, और भी खर्चे हैं, 20 लाख रुपए का तो सिर्फ रेंट है। हम अपनी रेवेन्यू पूरी नहीं दिखाते, रेवेन्यू को कम करते हैं। क्या कम कर रहे हैं वो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, एक्चुअल में हम दिखा क्या रहे हैं, एक्चुअल 1 करोड़ रुपए डिस्क्लोज कर रहे हैं 25 लाख रुपया। ऐसे समझ लिए मेरी कोचिंग की पीएल बन रही है, मेरी टोटल रेवेन्यू आती है 1 करोड़ रुपए और हम अपना रेवेन्यू दिखा कितना रहे हैं 25 लाख रुपया। मान लीजिए किराए की बिल्डिंग में हम क्लासेस ले रहे हैं और मेरा रेंट कितना है 20 लाख रुपया, क्या मैं इस रेंट को 20 लाख रुपए से और बढ़ा के दिखा दूं? अरे प्रश्न ही नहीं उठता, 20 लाख रुपए भी दिखाओगे तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला शक करेगा, कहेगा राज अग्रवाल तुम साल भर में 25 लाख रुपए की फीस जुटाते हो और 20 लाख रुपए का किराया ही दे देते हो और दुनिया भर के और खर्चे कर देते हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी रेवेन्यू लग रहा है ज्यादा है या इसलिए हम अपना जब रेवेन्यू घटाते हैं ना तो खर्चे भी उसी हिसाब से घटाते हैं। अब जिससे हमने किराए पे जगह लिया हम उसको कहते हैं कि भैया देखो हम तुमको ना एक काम करते हैं, 8 लाख रुपया तो हम तुमको चेक से दे दिया करेंगे, तुम हमसे 12 लाख रुपया का किराया कैश में ले लिया करो। अरे खर्चे भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, या सोच के देखिए, या सोचिए, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास 200 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 200 स्टूडेंट मेरी क्लास ले रहे हैं और रेवेन्यू जो हम दिखा रहे हैं वो 200 की जगह 20 बच्चों की दिखा रहे हैं, 200 स्टूडेंट की जगह 20 स्टूडेंट की दिखा रहे हैं, तो इधर खर्चे के साइड में बुक का खर्चा है, वो 200 बच्चों की बुक का खर्चा दिखाएं या बुक का खर्चा भी 20 ही बच्चों की बुक का दिखाएं? अरे 20 ही बच्चों की बुक का दिखाइए, खुद ही पकड़ा जाएंगे, चोरी तुरंत पकड़ी जाएगी। फीस जब आई इनकम टैक्स पूछेगा फीस आ रही है तुमको 20 बच्चों का, खर्चा तुम किताब का दिखा रहे हो 200 बच्चों का, 200 किताब का खर्चा कहां से आ गया जब 20 ही बच्चे पढ़ने आए थे, तो तुरंत पकड़ा जाएंगे। खर्चा भी हम कम करते हैं, ऐसे समझिए जो रियल तरीका होता है प्रॉफिट निकालने का, एक बिजनेसमैन अपनी रेवेन्यू को कम करता है और प्रोपोर्शनली इनकम को, खर्चे को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि लगे कि यह खर्चा इस इनकम की वजह से ही हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर हम निश्चित है बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे खर्चे भी बड़े होंगे,
और इतना बड़ा बड़ा खर्चा से समझ में आ जाता है कि रेवेन्यू ज्यादा है, आ रही है बात समझ में सबको? एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? अगर इनकम टैक्स ऑफिसर हम दिखाते हैं कि मेरी ऑनलाइन एजुकेशन से फीस आती है साल भर में 10 लाख रुपया, और हम 10-10 लाख रुपए का कैमरा हर साल बदल लेते हैं, हम कैमरे दिखाते हैं कि हर साल 10 लाख रुपए का खरीद लेते हैं, क्या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मानेगा? कहेगा राज अग्रवाल हर साल 10 लाख रुपए का कैमरा खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से टोटल फीस ही मेरी साल भर में 10 लाख रुपए आती है। प्रैक्टिकली बात समझिए, जब हम अपनी रेवेन्यू कम करते हैं ना तो अपने एक्सपेंसेस को भी कम करते हैं। एंड व्हाट इज दिस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर? हम अपने खर्चे को कम करके दिखाते हैं। 1 लाख रुपए का खर्चा था, दिखाए कितना थे? 20,000 रुपया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि अरे ये तो 1 लाख रुपए आपने खर्च किया था, ये 20,000 में कहां से होगा ये खर्चा? हमसे पूछ रहा है कि 80,000 रुपए यानी आपने इसको और दिए थे वो कहां से आया आपके पास? अब हम कुछ बोल नहीं रहे, ये कहलाता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। और अगर हम अपने खर्चे को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो डिफरेंशियल खर्चा भी मेरी इनकम बन जाएगी। बड़ी सुंदर बात सुनिए, कितनी सुंदर बात कही गई है। अगर हमने खर्चा किया है 10 लाख रुपए का, हम दिखाए नहीं खर्चा 10 लाख रुपए का, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा खर्चा दिखा देंगे गवर्नमेंट समझ जाएगी कि मेरी औकात ज्यादा है, 10 लाख रुपए का ये खर्चा कर रहा है यानी कमाता ज्यादा है। तो हम अपना खर्चा भी बहुत छोटा दिखाते हैं, 10 लाख की जगह दिखाए कितना, 2 लाख रुपया। लेकिन गवर्नमेंट को पता चल गया कि राज अग्रवाल ने खर्चा 2 लाख रुपया नहीं किया था, कितना किया था, 10 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट कह रही है राज अग्रवाल, अब वो 8 लाख रुपया हम कहां से दिए होंगे? ब्लैक मनी दिए होंगे, कैश में दिए होंगे। गवर्नमेंट कह रही है वो 8 लाख रुपया कहां से आए आपको देने के लिए? मुझे पता है कि वो खर्चा 10 ही लाख का है, 2 लाख का नहीं है। कहां से आए 8 लाख रुपए? मैं चुप बैठा हूं, शांत बैठा हूं। गवर्नमेंट कहेगी वो 8 लाख रुपए आपकी इनकम है। अब आइए एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, मैंने कैटरीना कैफ से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराया। आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ अ ब्यूटी सोप, ठीक है, बाथ सोप, ठीक है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ बाथ सोप। और मैंने कैटरीना कैफ से कहा कि आप मेरा एक एडवर्टीजमेंट शूट करवाइए जिसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूंगा, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। बड़ी कंपनी है, मेरा प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा है, बहुत प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। सच पूछिए तो मेरा जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, लेकिन हम टर्नओवर को 20 करोड़ रुपए दिखाते नहीं है, सेल 20 करोड़ रुपए दिखाते नहीं है, हम अपनी सेल ही कितनी दिखाते हैं मालूम है, 2.5 करोड़ रुपया। अब 2.5 करोड़ रुपए का माल बेचने वाला 2 करोड़ रुपए का कैटरीना कैफ को पेमेंट कर सकता है क्या? उसकी औकात होगी? 2.5 करोड़ रुपए का साल भर में माल बेचता है, वो 2 करोड़ रुपए ऐड कर दे देगा कैटरीना कैफ को, सवाल ही नहीं उठता। हम कैटरी, अब मेरा तो टर्नओवर 20 करोड़ है ना, एक्चुअल में दिखाते 2.5 करोड़ रुपया। हम कैटरीना कैफ को 2 करोड़ रुपया दे सकते हैं लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 करोड़ नहीं दिखाएंगे, यहां एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखाते हैं बहुत कम, 20 लाख रुपया, ठीक है। और ये रिटर्न हमने जमा कर दी इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने देखा, अच्छा एडवर्टीजमेंट कैटरीना कैफ ने 20 लाख रुपए लिया है, ठीक है, सब ठीक लग रहा था उसको, कोई दिक्कत भी नहीं लग रही थी। लेकिन एक टीवी शो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला देख रहा था। अब इस टीवी शो में, टीवी शो का नाम है चटपट मसाला, धमी नाम है, हमने बनाया चटपट मसाला उसका नाम है, ठीक है। उसमें कैटरीना कैफ एज एन इनवाइटी है, गेस्ट की तरह आई हुई है उस चटपट मसाला में, और कुछ चटपटी बातें की जाएगी कैटरीना कैफ के साथ उस टीवी शो में। कैटरीना कैफ से होस्ट पहला सवाल पूछता है, कहता है कि ये बताइए कैटरीना मैम कि आजकल आप एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा ले रही हैं? तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी लास्ट एड जो मैंने एक बाथ सोप के लिए किया था उसके लिए तो मैंने 2 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब मैंने इंक्रीज कर दिया है, अब मैं आगे जो भी एड करूंगी वो 3 करोड़ रुपए में करूंगी। वो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर सुन रहा था ये सब, अरे कैटरीना क्या 2 करोड़ रुपए में की थी, और हमने तो उस बिजनेसमैन का राज अग्रवाल का बैलेंस पीएल देखा है, उसमें लिखा हुआ था एडवर्टीजमेंट का पैसा कितना दिया उसने, 20 लाख रुपया, ठीक है।
अब देखिए सिर्फ उस टीवी शो में सुन के वो हमसे बात नहीं कर सकता, नहीं तो हम कह देंगे टीवी चटपट मसाला उसका नाम ही है, मसालेदार बात की जाती है वहां पे, ठीक है, ताकि पब्लिक मसालेदार बातों में मजा लेती है, वहां तो कुछ भी बोल दिया जाता है। उस टीवी शो का क्या है, उस टीवी शो में तो कुछ भी बोल दिया जाता है, कैटरीना कैफ का अफेयर इसके साथ चल रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, तो लीव इट, हम तुरंत एडमिट ही नहीं करते, हम उसको बात ही नहीं करते। तो अब वो क्या करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर कैटरीना कैफ के पास जाता है, कैटरीना कैफ से पूछता है कि अभी आपने राज अग्रवाल जी के लिए एक बात शो का एडवर्टीजमेंट किया था, उसका कितना पैसा लिया था, तो बताती है मैंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, ठीक है, वो बता देती है कि मैंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं उस एड के लिए। अब वो मेरे पास आता है और कहता है कि राज अग्रवाल जी आपने 2 करोड़ रुपए एड का दिया है, आपने दिखाया 20 लाख रुपए का खर्चा, 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपके पास कहां से आए उनको देने के लिए, बताइए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कैटरीना कैफ झूठ बोल रही है, साहब देखिए ना कैटरीना कैफ झूठ बोल रही है, आप उसकी सुंदरता पे फिदा होकर बस उसकी बात मान रहे हैं, हम सुंदर नहीं है तो आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, यही बोलेंगे हम कैसे ये बात मान ले, हम कैसे ये बात एडमिट कर ले कि मैंने 2 करोड़ दिया, मैंने दिया है 2 करोड़, लेकिन हम एडमिट थोड़ी ना करेंगे, हम यही बोलेंगे कैटरीना कैफ झूठ बोल रही है, बाकी आपकी मर्जी, आपको टैक्स लगाना है लगा लीजिए, हम बोलेंगे थोड़ी ना कि हमने 2 करोड़ रुपए दे दिया है, हम बोलते हैं 20 लाख रुपए ही दिए, वो झूठ बोल रही है कैटरीना कैफ, और आप सुंदरता पे फिदा हो रहे हो और उसकी बात मान रहे हो, मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो। अब देखिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेरे पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए कहां से आए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए मेरी इनकम बन जाएगी, ये कहा गया है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आप खर्चा नहीं बता पाओगे कि कहां से हुआ तो इनकम, ठीक है, बड़ी सुंदर बात है। देखिए पैसा मेरे पास पाया गया नहीं बता पाया इनकम, इन्वेस्टमेंट पाई गई मेरे पास हम नहीं बता पाए कहां से आई इनकम, खर्चा हमने किया नहीं बता पाए कहां से आया इनकम। आइए आपको बताते हैं, देखिए मिस्टर ए हैं, वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ठीक है, और इस शादी में मिस्टर ए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये है मैरिज एक्सपेंस, बहुत आलीशान शादी हो रही है, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़ी शादी हो रही है, एक ह्यूज एक्सपेंडिचर वाली शादी हो रही है, 10 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहा है। अब मिस्टर ए की हम आपको इनकम की बात करते हैं, ये मिस्टर ए जो हैं अपनी रिटर्न जो फाइल करते हैं वो 10 लाख रुपए साल की रिटर्न फाइल करते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए पर ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं, और आज इनको 30 साल हो गया है कमाते, मतलब 30 सालों में लगभग लगभग इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कमाई है, कमाया ही कितना है आज तक, अरे 5 लाख रुपए हर साल कमाते, 30 साल से कमा रहे तो 1.5 करोड़ रुपए कमाए, खर्चा भी तो किए होंगे, 1.5 करोड़ रुपए कमाए तो पर्याप्त हुई ना है, बच्चों को बड़ा किए हैं, उनको पढ़ाए लिखाए हैं, घर के खर्चे भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल से इनके पास बचे हुए, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो खर्च हो चुके हैं, इनके पास 20 लाख रुपए ही बचा ही है, और शादी में कितना खर्चा हो रहा है 10 करोड़ रुपए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर ए से पूछती है, ठीक है, कि ये शादी में आपने इतना पैसा खर्च किया 10 करोड़ रुपए, ये आपके पास आए कहां से, जवाब है क्या इनके पास, है ही नहीं, तो इनकी ब्लैक मनी एक्युमुलेटेड है, हर साल इनके पास ह्यूज पैसा आता था जो ये क्या करते थे, रिकॉर्ड नहीं करते थे, इनकम टैक्स नहीं पे करते थे, ये पैसा जुटा है, ये अपनी बेटी की शादी में खर्च कर रहे हैं। अब पता है क्या होगा, ये 10 करोड़ रुपए पूरी उनकी इनकम मान ली जाएगी। तो देखिए हमने 2 एग्जांपल लिए, एक कैटरीना कैफ का क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर था, और ये जो मैरिज का खर्चा है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो दोनों ही केस में आप कोई भी खर्चा कर रहे हो जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूं, इनकम टैक्स में अपना साल भर का खर्चा दिखाता हूं कि 1,20,000 रुपए मेरा साल भर में खर्चा होता है, मतलब 10,000 रुपए महीना, 1,20,000 रुपया, और मैंने अपनी फेसबुक पे फोटो डाली हुई है जो मैं दुबई गया था, ठीक है, और जिस होटल में मैंने स्टे किया था उस होटल का 1-2 दिन का किराया कितना है पता है, 1.5 लाख रुपया, ठीक है, और हर दिन मैं उसकी फोटो डालता था, मैं लगभग लगभग 10 दिन वहां पे स्टे किया था उस होटल में जिसका 1 दिन का किराया 1.5 लाख रुपया है,
मैंने 15 लाख रुपए की सिर्फ होटल में पेमेंट की है, दुबई गया था उसने 15 लाख रुपए होटल की पेमेंट की है, दुनिया भर के और खर्चे किए हैं, मेरा टोटल दुबई ट्रिप का एक्सपेंडिचर 20 लाख रुपए का था। और हम साल भर का अपना खर्चा कितना दिखाते हैं सरकार को, कहते हैं 1,20,000, गरीब आदमी 1,20,000 रुपए ही खर्चा करते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो मेरी फेसबुक की फोटो देख रखी है, ठीक है, वो इंक्वायर करता है, पता चलता है सचमुच मैंने दुबई में इतने पैसे खर्च किए हैं, और अब वो मुझसे पूछता है कि ये 20 लाख रुपए आपके पास कहां से आए, क्योंकि आपने तो कहीं दिखाई नहीं रखा है कि ये 20 लाख रुपए आपके पास आए और फिर आपने खर्च किए। मैं कुछ नहीं बता पाता क्योंकि ये ब्लैक मनी से मैंने सारा खर्चा किया था। अब ये 20 लाख रुपए क्या बन जाएगी, मेरी इनकम बन जाएगी और इसमें मुझे टैक्स देना होगा, ठीक है। आपको पता है, वैसे तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताएं, गवर्नमेंट ने एक कंपनी को यह काम दिया है कि आप लोगों की इनकम एनालाइज कीजिए सोशल मीडिया से, मतलब जो हम फेसबुक पे फोटो डालते हैं ना, इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, ट्विटर पे फोटो डालते हैं, इन सब एक काम दिया है गवर्नमेंट ने, एक टेक्नोलॉजी कंपनी को यह काम दिया है कि इसकी मदद से लोगों की इनकम को एसेस करने की कोशिश कीजिए। मतलब पता है कभी कभी मेरी फेसबुक की फोटो से ये पता चल जाता है कि मेरी औकात क्या है। हम अपना साल भर का खर्चा दिखाते हैं 1,20,000 रुपए, और अपने बर्थडे पार्टी पे हमने फोटो डाली है जिस पार्टी का खर्चा दिखाई दे रहा है उस फोटो से कि 20 लाख रुपए का है। बेसिकली अब इससे पता चलेगा कि लोग कितना कमाते हैं, वो पूरी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। तो आजकल तो देश में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, जब से 2014 में जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, जिसमें से ये भी एक पार्ट है, इस तरीके का काम दिया जा रहा है। अभी इस पर बहुत एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो क्या करेगा, प्रोफाइल वैल्यूएशन कर लेगा, सोशल मीडिया पे वैल्यूएशन होगी, ठीक है, और उसको आपकी इनकम से मैच कराया जाएगा, जहां पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिखाई देंगे तो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, पता किया जाएगा कि आपने कितनी इनकम कमाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है अब हमारे देश में, ठीक है, अब ये सब करना आसान है नहीं। तो आज की तारीख में तो अब समझिए सिस्टम यही है कि ईमानदारी से जितना कमाते हो वो बताओ, उस पर टैक्स दो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये बात आपको, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर और पार्ट देयर ऑफ, or the explanation if any offered by him is not in the opinion of AO satisfactory, the amount covered by such expenditure or part thereof as the case may be deemed to be the income of the SSC for such financial year. कोई खर्चा आपने किया और आप उसकी explanation नहीं दे पा रहे हो या फिर satisfactory explanation नहीं दे पा रहे हो तो वो खर्चा आपकी income बन जाएगा। The proviso to section 69C, proviso क्या होता है, प्रोवाइजो, एक एग्जाम्पल से इस प्रोवाइजो को समझाते हैं आपको। प्रोवाइजो का मतलब ये, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस, किसी भी सेक्शन में जो चीजें लिखी होती हैं वो क्या होता है, प्रोविजंस, ठीक है। जब हम दूसरी बात करने लग जाते हैं, एक बात कह देते हैं फिर हम दूसरी बात कहते हैं, तो कहते हैं द प्रोवाइजो, इस सेक्शन का ये प्रोवाइजो है, मतलब दूसरी बात है, ठीक है। हर सेक्शन में जो कुछ भी लिखा होता है वो एक प्रोविजन होता है, ठीक है, एंड प्रोविजन को इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो। प्रोविजन को इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो। जब एक प्रोविजन खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का और दूसरी बात शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं दिस इज अ प्रोवाइजो। तो देखिए एक दूसरी बात शुरू हो रही है, द प्रोवाइजो टू सेक्शन 69C प्रोवाइज दैट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the SSC shall not be allowed as a deduction under any head. क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे कैटरीना कैफ को तो हमने 2 करोड़ रुपए दिया था ना, इनकम टैक्स ऑफिसर वाला, आप 1,80,00,000 रुपए मेरी इनकम भी बना दिया कि आपने 2 करोड़ दिया है, 20 लाख का खर्चा नहीं है, ये कितने का है, 2 करोड़ का। तब जब इनकम टैक्स वाले ने कह ही दिया कि ये खर्चा 2 करोड़ रुपए का है, तो अब क्या हम पीएल में अपने 2 करोड़ रुपए चार्ज कर ले, क्योंकि पीएल में तो 20 लाख ही चार्ज किए थे, जैसे ही 2 करोड़ चार्ज करेंगे तो 1,80,000 से प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, तो कर लें क्या ऐसा,
नहीं कर सकते। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर को याद कीजिए, हम क्या बोल रहे थे? हम कह रहे थे कैटरीना कैफ झूठ बोल रही है, हमने थोड़ी ना एडमिट किया है कि ये इतना मेरा खर्चा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप खर्चा वो चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि खर्चा वही चार्ज रहेगा आपके पीएल में जो पहले चार्ज था। इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि आपने 2 करोड़ कैटरीना कैफ को दिया, तो भी हम 2 करोड़ का खर्चा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हम कैसे कह दें कि हमने 2 करोड़ दिया है? ठीक है, हम जो बात कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नहीं दिया, ये बात वो मान नहीं रहा है, इसलिए 1,80,00,000 पे टैक्स लगा दिया है। ठीक है, हमने एडमिट थोड़ी ना कर लिया है कभी भी। तो ध्यान दीजिए, वो खर्चा 2 करोड़ रुपए का मान के 1,80,00,000 पे आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, लेकिन आप आज भी उसके बाद भी अपना खर्चा 20 लाख रुपए बोलेंगे, आप अपना खर्चा 1,80,00,000 रुपया बढ़ा नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? आइए अगली हेडिंग देखिएगा, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। हुंडी समझते हैं आप? हुंडी वैसे तो हिंदी वर्ड है, लेकिन इनकम टैक्स में यही यूज किया गया है। क्या बोलते हैं हुंडी को? ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। बोरोड का मतलब क्या होता है? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज की जो हम डिस्काउंटिंग कराते हैं ना, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम गिरवी रखते हैं और उससे पैसे उठा लेते हैं, तो इसे कहा जाता है बोरोइंग ऑफ मनी, जिसको हम आप बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा के पैसे लिए हो, तो निश्चित है बाद में पे भी करने पड़ेंगे, वो है रीपेड। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आप समझते हैं? देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, ठीक है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या दे देता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक अंडरटेकिंग होती है जिसमें वो ये लिख के देता है कि आई विल पे दिस सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर सच एंड सच पीरियड ऑफ टाइम। बी एक अंडरटेकिंग लिख के दे देता है कि हम आपको ये पैसे इतने समय में दे देंगे। ठीक है, अब ए क्या कर सकता है? अगर बी की अच्छी गुडविल है तो ए इस बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करा सकता है। ठीक है, समझिएगा, मतलब ए ने बी को माल दिया कितने का, मान लीजिए 5 लाख रुपया। बी ने फिर ए को 5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया, जिसमें लिख दिया कि मैं आपको 3 महीने बाद 5 लाख रुपया दे दूंगा। अब ए क्या कर सकता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास जा सकता है। हालांकि बैंक डिस्काउंटिंग तभी करती है जिसकी बिल ऑफ एक्सचेंज होती है उसकी हाई गुडविल होनी चाहिए, अंबानी जैसा बंदा होना चाहिए, ठीक है, कि लिख के दे दे कि मैं 3 महीने में दे दूंगा, तो बैंक भी उस कागज के बदले में ए को पैसा दे सकती है। ए इस कागज को लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक से कहेगा ये लीजिए अंबानी साहब का लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें वो 5 लाख रुपया 3 महीने बाद देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। बैंक कहेगी अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो ये लो पैसे। ठीक है, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर लेगी, रख लेगी अपने पास, और इसको कुछ कम पैसे देगी क्योंकि इंटरेस्ट भी तो चाहिए इसको। ठीक है, इसको दे देगी मान लीजिए 4,90,000 रुपया, 4.90 लाख। 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद अंबानी साहब आएंगे, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर ए को 5 लाख रुपया क्या करेंगे? दे देंगे। मिस्टर ए आएगा और बैंक को 5 लाख रुपया दे देगा और ये बिल ऑफ एक्सचेंज वापस लेके फाड़ देगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रही है बात सबको क्या होता है? ठीक है, तो मिस्टर ए जब पैसे की रिकवरी कर लेगा तो वो क्या करेगा? बैंक को लाके देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को वापस से फाड़ दिया जाएगा। बेसिकली बैंक ए को दे देगी, ए बी को दे देगा और काम खत्म हो जाएगा। और इस पूरे ट्रांजेक्शन में ए का थोड़ा सा खर्चा भी लगा, हाँ, 4,90,000 उसने बोरो किया था और पे कितना किया फिर फाइनली 5 लाख रुपया। ठीक है, तो उसे फंड समय से पहले मिल गया, 3 महीने बाद उसे जो पैसे मिलने थे अंबानी जी से वो अभी मिल गए बैंक के थ्रू। ठीक है, यही होता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। 4,90,000 इज द अमाउंट बोरोड एंड 5 लाख इज द अमाउंट रीपेड ऑन हुंडी। अब ये बात लेकिन इसकी हो ही नहीं रही है, ये बात बैंक के डिस्काउंटिंग की नहीं हो रही है,
ये बात गवर्नमेंट कर कैसे मार्केट की रही है, चांदनी चौक जैसे मार्केट की कर रही है, चांदनी चौक दिल्ली। कितने लोग गए चांदनी चौक दिल्ली में? दिल्ली गए हैं आप? अच्छा, कुछ लोग वीडियो वाले हैं जो दिल्ली में ही हैं। मैं आपको कुछ बात बताता हूं चांदनी चौक की। चांदनी चौक में कपड़े का, ठीक है, होलसेल व्यापार होता है बड़े लेवल का, ठीक है। यहां पे क्या होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, कपड़ों के, उसके एजेंट वगैरह मार्केट में घूमते रहते हैं। एजेंट वो होता है जो फैक्ट्री वगैरह में माल देखता है और लाके यहां के व्यापारियों को देता है, चांदनी चौक के व्यापारियों को देता है कि ये देखिए ये माल इतने इस रेट का है, ये माल इस रेट का है, और वो लोग ह्यूज क्वांटिटी में माल मंगा लेते हैं उस एजेंट के थ्रू, ठीक है। और फिर यहां पे ढेर सारे कस्टमर्स भी होते हैं जो जिनकी रिटेल शॉप होती है ऑल ओवर इंडिया, वो आते हैं चांदनी चौक के मार्केट से होलसेल में कपड़ा खरीद के ले जाके अपनी रिटेल शॉप में लगाते हैं। तो चांदनी चौक एक ऐसा मार्केट है जहां पे बड़े लेवल का होलसेल का व्यापार होता है कपड़ों का, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा पाया कि यहां पे लगभग लगभग 80% जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वो ब्लैक का होता है। मतलब लोग सेल परचेस कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, कच्चे में माल खरीदते हैं, कच्चे में पे बेच देते हैं। कच्चे में खरीदना, कच्चे में बेचना मतलब समझते हैं? बिना बिल के माल खरीद लिया, बिना बिल के माल बेच दिया, टैक्सेस से कोई मतलब ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड पे आएगा ही नहीं। कैश में माल खरीदा, कैश में बेच दिया, ना तो खरीदते समय बिल लेते हैं ना बेचते समय बिल लेते हैं। इस तरीके का धंधा होता है चांदनी चौक मार्केट में, बड़ा व्यापार है। 100 करोड़ रुपए का जो बिजनेस करता है वो 1 करोड़ रुपए की सेल दिखाता है। ऐसा गवर्नमेंट ने पाया, ठीक है। हम स्पेसिफिक नहीं है चांदनी चौक मार्केट के लिए, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको कहा। आप ऐसे समझ लीजिए बहुत सारे मार्केट इंडिया में है जहां पर इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसी से रिलेटेड कुछ कानून बनाया, ठीक है। पहले आपको समझाते हैं कि यहां पे होता क्या है। अब यहां पे ऐसे समझिए, अब हम आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। ये रही गारमेंट शॉप, कहां पे है ये? चांदनी चौक मार्केट में, ठीक है। जितनी यहां पे गारमेंट की शॉप्स हैं, ठीक है, चांदनी चौक मार्केट में, उतनी हुंडी की डिस्काउंटिंग कराने की दुकानें, ये प्राइवेट हुंडी शॉप्स हैं। ये रही हुंडी शॉप। पता है यहां पे जो बंदा बैठा है उसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, सब बाप दादा का दिया हुआ अरबों खरबों रुपया है। कोई धंधा वंदा नहीं करते हैं, बस करते क्या है, जो चांदनी चौक मार्केट के बड़े व्यापारी हैं अगर उनका साइन किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो ये हुंडी वाले क्या करते हैं, उसकी डिस्काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके पैसा दे देते हैं अपना, ब्याज का पैसा काट के, कि 3 महीने का है तो 3 महीने का ब्याज इतना होता है, ये काट के पैसा ले लो और 3 महीने बाद तो हमको इससे मिल ही जाएगा, ये तो बड़ा व्यापारी है ही है चांदनी चौक मार्केट का। तो मोटा मोटी जितने व्यापारी हैं उतनी हुंडी की शॉप भी है, मतलब वहां एक से एक धनाढ्य लोग हैं जिनके पास ह्यूज पैसा है, बड़ा पैसा है, और वो सिर्फ हुंडी का काम करते हैं। ये बैंक नहीं है, ये प्राइवेट हुंडी वाले, बैंक के बराबर पैसा इनके पास खुद ही है, ठीक है। 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ उतने की है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराएंगे, पैसा दे देंगे, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है, यहां पे हुंडी की बैंक से डिस्काउंटिंग वाली चर्चा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्राइवेट हुंडी की डिस्काउंटिंग होती है यहां पर उसकी बात हो रही है। अब कहानी शुरू करें, ध्यान से सुनिए होता क्या है। अब एक एजेंट है, ठीक है। एजेंट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये क्या करता है, एक फैक्ट्री घूमता है, जहां बढ़िया माल मिल जाता है वो क्या करता है, चांदनी चौक के मार्केट को लाके वहां पे दिखाता है और कुछ अपना उसमें कमीशन बना लेता है, ठीक है। अब एक एजेंट है, ये क्या करता है, ये साउथ से कहीं से आ रहा है, गारमेंट शॉप पे पहुंचा, उसने कुछ इसको सैंपल दिखाया, ठीक है, उसको पसंद आ गया, उसने ऑर्डर दे दिया, 5 करोड़ रुपए का वो माल था, उसने क्या किया एजेंट ने, इस 5 करोड़ रुपए के माल को इसको दे दिया। गारमेंट शॉप वाला क्या करता है, अब इसको
इसने इसको गुड्स दे दिया, एजेंट ने उसको गुड्स दे दिया, ठीक है 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। गारमेंट शॉप वाले ने इस एजेंट को 5 करोड़ रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, साइन करके दे दिया कि हम 2 महीने में दे देंगे। जैसे चांदनी चौक वाले मार्केट नगद में माल कम ही खरीदते हैं, ठीक है, ये 1-2 महीने का उधार लेते हैं और सेल इतनी होती है 1-2 महीने में माल बेच के खाली भी कर देंगे और फिर पैसा दे देंगे, ठीक है। तो मान लेते 1 महीने का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे दिया कि 1 महीने बाद तुम उनसे 5 करोड़ रुपया ले लेना। अब इस एजेंट की बात करें तो बेचारा ये नगद में माल खरीद के लेके आया है, ठीक है, साउथ से, ठीक है, और या फिर उधार में भी खरीद के लाया है तो इसको और उधार तो मिलेगा नहीं, अब पहले तो ये पेमेंट करे, तो इसका धंधा ब्लॉक हो जाता है। अब ये कुछ और नहीं कर पाएगा 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने बाद ये जब 5 करोड़ रुपया देगा तब ये आगे का माल खरीद के दे पाएगा, किसी और को बेच पाएगा। तो अब ये एजेंट क्या करता है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके चला जाता है हुंडी वाले के पास, अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करा लेता है। ये हुंडी वाला देखता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसका है, इस वाले शॉप का है, गारमेंट शॉप का। अरे ये तो बड़ा व्यापारी है चांदनी चौक वाला, ये तो पक्का दे देगा, ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है, ये हुंडी वाला जानता है इसको, ये भी तो चांदनी चौक में बैठा है और ये भी चांदनी चौक वाला है। कहता है अच्छा ये राज भैया ने दिया है साइन करके, अच्छा ये तो पैसा दे देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ रुपए का है, लो। ये क्या करता है हुंडी वाला, एजेंट को पैसा दे देता है इसमें से कमीशन काट के, या फिर आप कह लीजिए इंटरेस्ट होता है बेसिकली। वो तो वो क्या करता है, मान लीजिए 4,90,00,000 रुपए इसको पे कर देता है, 10,00,000 रुपए हुंडी वाला रख लेता है और इसको 4,90,00,000 रुपए एजेंट को पकड़ा देता है, ठीक है। और ये सारा काम नगद में हो रहा है, सारा काम नगद में, ठीक है। ये हुंडी वाला 4,90,00,000 रुपए इसको नगद पकड़ाता है, एजेंट 5 करोड़ रुपए जिस दिन गारमेंट वाले से पाएगा उठा के 5 करोड़ रुपए की इसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब गारमेंट वाला एक दिन इसको पेमेंट करेगा, अब हम ये कहते हैं ये गारमेंट वाले ने आज एजेंट को पेमेंट कर दी 1 महीने बाद, पेमेंट 5 करोड़, ठीक है। तो अब ये एजेंट भी हुंडी वाले को क्या करता है, रीपे कर देता है, रीपे 5 करोड़। ये 4,90,00,000 क्या था, बोरोड था, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा दें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि अब इसके बाद हमें कानून समझना है, कानून क्या है। एजेंट वो बंदा है बेसिकली, ये एक माल वगैरह फैक्ट्री से उठाता है और चांदनी चौक के दुकानदारों को बेचता है, ठीक है। ये एजेंट आता है यहां पे सैंपल वगैरह दिखाता है और माल पसंद आ जाता है, इस गारमेंट शॉप वाले ने ऑर्डर दे दिया 5 करोड़ रुपए का, ये एजेंट 5 करोड़ का माल दे दिया इसको। अब गारमेंट शॉप वाला कहता है पैसे अभी नहीं दूंगा, पैसे 1 महीने बाद दूंगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाओ, ठीक है। ये सब बड़े व्यापारी है चांदनी चौक के, अगर इन्होंने लिख दिया तो इस समय पे पैसा दे देते हैं, गुडविल इनकी हाई है, 40 साल से धंधा कर रहा है, 50 साल से धंधा कर रहा है, 2 पीढ़ी धंधा कर चुकी है, 100 साल से ये बिजनेस चल रहा है इनकी दुकान, ठीक है। इन्होंने 5 करोड़ रुपए बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके इस एजेंट को दे दिया। अब ये एजेंट उसी एरिया में हुंडी की शॉप से, तो हमने यही बताया ना चांदनी चौक में हुंडी वाले बहुत सारे हैं, प्राइवेट ये लोग बैंक की तरह काम करते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करके आपको पैसे दे देंगे। तो एजेंट ने पैसा बोरो कर लिया 4.90, ये क्यों बोरो किया, ताकि ये और माल खरीद के दूसरे शॉपकीपर को, तीसरे शॉपकीपर को भी बेच सके, नहीं तो धंधा रुक जाएगा ना इसका, 1 महीने बाद पैसा मिलेगा तब तक ये क्या करेगा, इसलिए इसने 4,90,00,000 रुपया बोरो कर लिया, ठीक है। निश्चित है इसको और उसमें भी बच जाता होगा, मे भी हो सकता है कि इसने माल जो खरीदा था वो 4,80,00,000 रुपए का था, ठीक है, तो अगर 10,00,000 रुपए हुंडी वाला ले भी लिया है तो भी तो 10,00,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब 1 महीने बाद क्या होता है, ये गारमेंट वाला इसको पैसे देगा 5 करोड़ रुपया और ये उठा के रीपे कर देगा हुंडी वाले को 5 करोड़ रुपया, और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है नगद में, कैश ना तो इस गारमेंट वाले को बिल चाहिए और ना ये चेक से पैसा देगा, ये पैसा भी पकड़ाएगा किसे, कैश, ठीक है। और ये हुंडी वाला भी कैसे पैसा पकड़ा रहा है, कैश में। अब गवर्नमेंट ने कहा हम एक कानून बनाएंगे, इतना सुंदर कानून बनाएंगे कि ये नंबर 2 का व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये एजेंट ये जो पैसा हुंडी वाले से बोरो करता है, ये पैसा जो हुंडी वाले से बोरो किया है इसने, अगर ये अदर देन वाइस वाई अकाउंट पे चेक बोरो करेगा, ये अकाउंट पे चेक के अलावा किसी चीज से बोरो करेगा ये पैसा, तो ये जितना पैसा बोरो करेगा अकाउंट पे चेक के अलावा, ये पूरी इस एजेंट की इनकम हो जाएगी।
गवर्नमेंट ने एक बात और बोला, या फिर वो रीपे करेगा नगद में, या फिर वो रीपे करेगा नगद में, तो भी क्या होगी उसकी, जो रीपे करेगा अकाउंट पे चेक के अलावा अगर इसने रीपे किया किसी और सोर्स से, कैश से या किसी भी दूसरे तरीके से, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, तो ये 5 करोड़ रुपए अगेन हुंडी वाले की, ये इसकी एजेंट की क्या बन जाएगी, इनकम। अब देखिए होता क्या है, अब ये एजेंट जब इसके पास आता है, गारमेंट वाले के पास आता है, तो कहता है कि मैं आपको बिल पक्की दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके मुझे दोगे तो मुझे हुंडी वाले के पास जाना है और हुंडी वाले से पैसा मुझे अकाउंट पे चेक से क्या करना होगा, लेना होगा। क्योंकि अगर मैंने पेमेंट अकाउंट पे चेक से नहीं लिया तो जितना पैसा लूंगा वो मेरी इनकम बन जाएगी, और अकाउंट ही चेक से मैं तभी ले सकता हूं हुंडी का पैसा जब मैं दिखाऊंगा कि आपसे हुंडी मिली मुझे, और मैं ये बात तभी दिखा पाऊंगा कि आपसे मुझे हुंडी मिली। इससे बोल रहा है कि मैं ये तभी दिखा पाऊंगा कि आपसे हुंडी मिली जब मैंने आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने आपको माल बेचा, तो मैं मजबूर हूं, मुझे अपनी सेल दिखानी ही पड़ेगी। वो इस दुकानदार को ये बोलता है, एजेंट बोल रहा है कि मुझे ये सेल दिखानी पड़ेगी क्योंकि मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, ये दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि मैं हुंडी वाले से पैसा अकाउंट पे चेक से ही ले सकता हूं, फिर उसको रीपे भी अकाउंट पे चेक से ही करना है, तो जब उसको रीपे अकाउंट पे चेक से करना है तो आपसे जो पैसे लूंगा वो भी अकाउंट पे चेक से ही लूंगा, मैं मजबूर हूं, मुझे एंट्री दिखानी ही पड़ेगी इसकी। तो अब ये गारमेंट शॉप वाले को जब वो परचेस, ये क्या करता है, एजेंट सेल बिल काट के देता है तो ये परचेस की एंट्री कर लेता है, ये परचेस की एंट्री कर लेता है तो अब ये भी मजबूर हो जाता है, जितनी भी ये सेल करता है चांदनी चौक मार्केट में बैठ के, वो भी पक्के की सेल करता है, वो भी अपनी सेल की बिल काटता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया कि हुंडी का पैसा आपको अकाउंट पे चेक से लेना है और अकाउंट पे चेक से देना है, नहीं तो जितना पैसा आपने लिया दिया है वो क्या बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगी। और ऐसे में देखिए पूरा व्यापार नंबर दो का नंबर एक का बन गया, पूरा नंबर दो का व्यापार नंबर एक का हो गया। ठीक है, कैसे नंबर एक का हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? वो इसलिए हो गया क्योंकि अब ये एजेंट जो है हुंडी का पैसा इसको अकाउंट पे चेक से लेना है तो हुंडी इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। अब हुंडी अगर ये दिखाएगा कि हमको मिला है तो भैया किस बात का हुंडी तुमको मिल गया, तो दिखाएगा ना कि हमने सेल किया, अब सेल की एंट्री इसको लेनी पड़ेगी। जब ये गारमेंट शॉप वाले को परचेज पक्के में आएगी तो निश्चित है अब ये माल इतना आया है तो सेल भी दिखाना ही पड़ेगा। तो पूरा जो नंबर दो का व्यापार था वो नंबर एक का व्यापार बन गया। अब देखिए आपको पेमेंट लेना कैसे है, इस एजेंट को अकाउंट पे चेक से लेना है, अकाउंट पे चेक से देना है। ठीक है, मान लीजिए इसने 4.90 अकाउंट पे चेक से लिया, कैश में पे कर दिया 5 करोड़ रुपया, तो इनकम कितनी हो जाएगी एजेंट की, 5 करोड़ रुपया। इसने कैश में लिया 4.90 लेकिन पे अकाउंट पे चेक से किया, तो कैश में लिया था 4.90 तो 4.90 इसकी इनकम बन जाएगी। अच्छा, इसने कैश में लिया तो 4.90 इनकम बन गई, अब इसने कैश में वापस से पे किया 5 करोड़ रुपया, तो अब दोबारा इनकम नहीं बनेगी, इनकम एक ही बार बनेगी क्योंकि वही पैसा लिए और फिर दिए ना, एक ही बार सजा देंगे, हुंडी का पैसा लिए एक ही ट्रांजेक्शन है, तो ये एक ही ना सेल किए थे जिसको रिकॉर्ड पे नहीं लाए, एक बार लिए और एक बार पैसा दिए, तो गवर्नमेंट के लिए दो बार टैक्सेस नहीं लगेगा। ठीक है, हालांकि इसमें अंतर है 4,90,000 है, ये 5 करोड़ रुपए, तो भी फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट के लिए, वो तो छोटा सा ही डिफरेंस होगा। एक बार अगर पैसा लेते समय वो इनकम बन गई तो देते समय वो दोबारा इनकम नहीं बनी। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक समझते हैं आप? चलिए आपको हम सारे चेक बता देते हैं। ये तीन तरीके के चेक बनते हैं, एक होता है बेयरर चेक, दूसरा होता है क्रॉस्ड चेक, आपको चेक बनाने आती है, किसी को चेक बना के देना होगा बना लेंगे, और तीसरा होता है अकाउंट पे चेक। बेयरर चेक वो चेक होता है जिसमें कोई लाइनिंग नहीं की जाती है, क्रॉस चेक वो होता है जिसमें यहां पे दो दो लाइन खींची जाती है। ठीक है, और अकाउंट पे चेक वो होता है जिसमें यहां पे दो क्रॉस लाइन होगी
और इसके बीच में हम यहां पे लिख देते हैं अकाउंट पे, समझ में आ रहा है सबको। बेयरर चेक में कोई लाइन नहीं खींची जाती है, क्रॉस चेक में दो लाइन खींची जाती है और अकाउंट पे चेक में दो लाइन के बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। बेयरर चेक में जब अगर कोई हमें चेक देता है, बेयरर चेक उसमें लिखता है राज अग्रवाल, बस ऐसे लिख दिया तो पता है, और इसमें अमाउंट कितना लिखा हुआ है 50,000 रुपया। ये बेसिकली बेयरर चेक कैश के बराबर होता है। ये मान लीजिए एचडीएफसी की चेक है तो हम एचडीएफसी में लेके जाएंगे कैश काउंटर पे और कैश मिल जाएगा हमको, इसको खाते में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेयरर चेक नगद के बराबर होता है, ठीक है, और हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने स्टाफ को भेजेंगे बेयरर चेक लेके बैंक में और वहां पे वो क्या करेगा, 50,000 रुपया ले सकता है वो, इसलिए क्योंकि यहां पे पता है चेक में क्या लिखा रहता है, पे टू ऐसे करके लिखा होता है, कभी चेक देखा है ध्यान से, लिखा रहता है पे टू उसके बाद लास्ट में लिखा रहता है और बेयरर, बेयरर का मतलब होता है जिसके हाथ में चेक है। तो बेसिकली अगर आप चेक में मेरा नाम लिखते हो और लाइन वाइन नहीं खींचते हो तो इसका मतलब होता है मुझे दिया जाए राज अग्रवाल या बेयरर, बेयरर का मतलब जिसके हाथ में चेक है, तो भाई मेरा स्टाफ उसके हाथ में चेक है वो बैंक जाएगा तो वो भी 50,000 रुपया ला सकता है। तो बेयरर चेक इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। क्रॉस चेक अगर कर दिया तो इसे खाते में लगाना पड़ेगा, इसे खाते में लगाना पड़ेगा, एंट्री आएगी। लेकिन इसमें भी एक रास्ता है कि हम इसकी एंट्री को रिकॉर्ड ना करें। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई स्टूडेंट बेयरर चेक दे देता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हम उसकी एंट्री करें, क्यों, क्योंकि हम अपने स्टाफ को भेजेंगे बैंक से, वो कैश लेके चला आएगा, उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्या फायदा टैक्स देके उसपे, आ तो गया नगद पैसा, रिकॉर्ड पे लाने की जरूरत क्या है। अगर मुझे कोई क्रॉस चेक देता है इस तरीके का चेक, तो भी मुझे इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम इस क्रॉस चेक को क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और उल्टा करके इस पे लिख देंगे एंडोर्स्ड टू सो एंड सो और अपना साइन कर देंगे। तो जिसका हमने यहां नाम लिखा है, यहां तो आपने हमको क्रॉस चेक बना के दिया राज अग्रवाल, और हम इस पे पीछे लिख दिए मोहन, एंडोर्स टू मोहन श्रीवास्तव और साइन कर दिए अपना, ठीक है, और ये चेक पकड़ा दिए मोहन श्रीवास्तव को, ये मोहन श्रीवास्तव अपने खाते में लगा लेगा। और देखिए आपने हमको फीस दी थी 10,000 रुपए की, हमने अपने यहां एंट्री करने की बजाय मोहन श्रीवास्तव को पकड़ा दिया, उसने अपने खाते में पैसा लगा लिया, हमने मोहन श्रीवास्तव से 10,000 रुपए नगद ले लिया। आ रही बात समझ में, एंट्री हम नहीं किए, देख रहे हैं, जब मोहन श्रीवास्तव को किसी घरेलू खर्चे का पेमेंट वेमेंट करना था, हमने वही चेक इंडोर्स करके उसको उठा के दे दिया, उसके में एंट्री चली गई, मेरे खाते में कहीं दिख ही नहीं रहा कि आपसे पैसे आए थे। तो बेसिकली क्रॉस चेक इंडोर्स किया जा सकता है। अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है, अगर अकाउंट पे चेक बीच में आपने अकाउंट पे लिख दिया और मेरा नाम लिख दिया अब यहां पे, तो ये उसी खाते में जाएगा जिस पे राज अग्रवाल लिखा हुआ है, ये किसी दूसरे खाते में नहीं जाएगा, यहां इंडोर्स नहीं हो सकता। तो बेसिकली जब आप हमें अकाउंट पे चेक देते हो ना, तो हम मजबूर है, हमको एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिसका नाम लिखा गया उसके अलावा दूसरे खाते में वो जाएगा ही नहीं पैसा। अगर आप सिर्फ दो लाइन खींचते हो तो ये खाते में जाएगा, लेकिन किसी भी खाते में जा सकता है, हम पलट के जहां जिस खाते में लिखेंगे उस खाते में वो इंडोर्स हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। अब बेयरर चेक तो नगद के बराबर है, इसीलिए गवर्नमेंट पीछे पड़ी है, कह रही ये सबसे तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप एंट्री घुमा सकते हो, एंट्री पता नहीं लोगे कि नहीं लोगे, लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक आपको मिला है तो एंट्री तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पैसा आपके खाते में चला जाएगा। वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी फ्रॉम और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड टू एनी पर्सन अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक, द अमाउंट ऑफ बोरोड और रीपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग द अमाउंट अफोर्सेड फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वॉज बोरोड और रीपेड एज द केस मे बी। टू अवॉइड डबल टैक्सेशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी हैज बीन डीम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन, such person should not be liable to be assessed again in respect of such amount under the provision of this section on repayment of such amount. कह रहा है कि अगर आप अमाउंट बोरो करेंगे या रीपे करेंगे, ठीक है, अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक, तो वो आपकी इनकम होगी, लेकिन अगर बोरो भी अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक किए हैं और पे भी अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक किए हैं तो डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपने जब बोरो किया था तो वो इनकम बन गई, अब रीपे करते समय दोबारा इनकम नहीं बनेगी,
लिए भी एक कैश में, दिए भी कैश में, तो इनकम एक ही बार बनेगी। मोरओवर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द अमाउंट रीपेड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट बोरोड। हालांकि रीपेड के समय अमाउंट ज्यादा होता है थोड़ा सा इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन फिर भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता डिफरेंस, ठीक है। तो जब आपने बोरो किया 4,90,00,000 रुपया, दिया 5,00,00,000 रुपया, तो 4,90,00,000 रुपया आपकी इनकम बन जाएगी। ऑल द अबव अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमने आपको बताया था कि मेरी 5 हेड की इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, राइट। जो भी अनडिस्क्लोज वाला आइटम था 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन इनकम, देन नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये सभी इनकम कहां की बनेगी? अदर सोर्सेस। बताइए अगर मेरे पास प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है, ठीक है, मेरे पास तो पीजीबीपी की इनकम आती है बिजनेस प्रोफेशन की, मेरा ब्लैक मनी भी कहां का होगा? पीजीबीपी हेड का ही इनकम था जो हमने ब्लैक मनी बना दिया। जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हमने खरीदी वो कौन से इनकम से खरीदी थी जो हमने दिखाया नहीं है? बेसिकली बिजनेस की। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जब पकड़ा जाएगा तो वो इनकम अभी बिजनेस वगैरह की नहीं होगी, जो भी चीज पकड़ी जाएगी वो आपकी अदर सोर्सेस की इनकम है, ठीक है। अब आइए इस पर टैक्स क्या रेट से लगेगा ये देख लेते हैं। टैक्सेशन ऑफ कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन मनी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, सेक्शन 115 बीबीई। अनएक्सप्लेन अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, CED, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सब में एक एक बात कही गई थी, ये कैश क्रेडिट था, फिर ये सब एक एक सेक्शन है, ठीक है। एक अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन इनकम है, इसी तरीके से। अब द एक्ट विल नाउ बी टैक्स्ड एट द फ्लैट रेट ऑफ 60%, इस पर 60% का टैक्स लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा, असेस जैसे है वो लग जाएगा, ठीक है। विदाउट ग्रांटिंग एनी डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर और अलाउंस देयर अगेंस्ट, द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन एंड लोअर स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ विल नॉट बी अवेलेबल टू सच अमाउंट। ऑल्सो नो सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, SSC now permitted to disclose such income on its own in ITR. अगर आप अपने से डिस्कलोज करना चाहते हैं तो अपने से भी डिस्कलोज कर सकते हैं। अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड EO's prerogative टू इन्वोक दिस प्रोविजन। पहले यही होता था कि SSC ऑफिसर ही ये सेक्शन लगाएगा, वो पकड़ेगा और ये सेक्शन लगाएगा, अब ऐसा नहीं है। इफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम इज डिटेक्टेड बाई EO देन पेनाल्टी ऑफ 10% ऑफ टैक्स ऑल्सो पेबल अंडर सेक्शन 115 BBE। अगर EO पकड़ेगा तो 10% की पेनाल्टी मिलेगा, मतलब अगर खुद से बताएंगे तो 60%, 25% और सेस, और अगर आपको EO पकड़ेगा तो वो 10% पेनाल्टी भी लेगा, ठीक है। 10% पेनाल्टी किसका लेगा? टैक्स का लेगा, ठीक है। 10% वो इसका लेगा जो टैक्स बनेगा उसका, ठीक है। अब 100 रुपए पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों फेज केसेस में क्या होगा। अगर हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे टैक्स कितना बनेगा अगर हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, सौ रुपए पे कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए अगर है तो मेरा टैक्स बनेगा सबसे पहले तो 60 रुपया, फिर सरचार्ज जुड़ेगा एट द रेट ऑफ 25%, और सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है, तो 60 रुपीज का 25%, 15 रुपीज, दोनों मिला दीजिए 75 रुपीज, प्लस इसके बाद क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि है 4% का, तो 75 रुपए का 4% और निकाल लीजिए, 3 रुपए आ जाएगा, आपको टोटल पे करना पड़ेगा 78 रुपीज। मतलब अगर आपने ये कहा कि मेरा 100 करोड़ रुपए अनएक्सप्लेन इनकम है तो 78 करोड़ आपको गवर्नमेंट को देना है, 78% का टैक्स होता है, ये मजाक नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन में 78% दे देना है, कुछ बचता नहीं है, 22% आपका बचेगा, ठीक है। 100 रुपए में 22 रुपए आपने रखिए, 78 रुपए गवर्नमेंट को दे दीजिए। लेकिन अगर AO डिटेक्ट कर लिया तो आप टैक्स देंगे कितना? 60 रुपए, ठीक है।
आप सरचार्ज देंगे इस पे एट द रेट ऑफ 25%, 15 रुपया, जोड़ के हो जाएगा 75 रुपया, प्लस सेस देंगे कि नहीं देंगे एट द रेट ऑफ 4%, 3 रुपया और हो गया, ठीक है 78 रुपीज, प्लस उसके बाद आपसे पेनाल्टी ली जाएगी, पेनाल्टी 10% ली जाती है इसकी 60 रुपए की, ठीक है इसका 10% लगता है 6 रुपया, ये कितना हो गया 84 रुपया। यानी अगर एओ डिटेक्ट कर लेता है तो आप 84% दे देते हो सरकार को, खुद से बताओगे 78% लिया जाएगा, एओ पकड़ेगा 84% ले लिया जाएगा, यानी ऐसे समझ लीजिए अगर अनएक्सप्लेन कुछ भी पाया गया तो कुछ बचता नहीं है, हाथ नहीं लगता है, सब सरकार ले लेती है, ठीक है 100 रुपए में 84 रुपया अगर खुद पकड़ेगी तो ले लेगी, हम खुद भी बताएंगे तो 100 रुपए में 78 रुपए ले लेगी, 78 रुपीज ले लेगी। क्लियर है बात सबको, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ठीक है अगर आपकी बुक में भी ऐसा है तो इसको प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए, यहां पे ये 3 रुपए होगा और ये 78% है, और यहां पे भी ये 3 रुपए है और ये 84% हो जाएगा फिर, ठीक है क्लियर है बात सबको, अगर आप में करेक्टली टाइप्ड है तो देन इट्स ओके, अगर आप में भी ये मिस प्रिंटिंग है तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, दिस इज नॉट 2.25, वो 75 रुपीज का 4% लगेगा तो ये 3 रुपए हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो आगे की बातें करेंगे आपके साथ।